Son artiste Kaiser Shimla. Shimla, the capital. Now it's geography, economy, facts and figure, then history. So broadly speaking about Shimla, this is one of the very important district of Madhya Pradesh. And अगर हम इसकी ज्योग्राफी की पहले बात करें, आप देखेंगे शिमला देश की समर कैपिटल रही है ना, समर कैपिटल ऑफ इंडिया। और हमारा जो पंजाब है, पंजाब की भी कैपिटल कैपिटल रही है अप टू 1853 तक के लिए। और म्यांमार की भी शिमला कैपिटल रही है। एंड वेरियस हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल एज पोस्ट प्रायर टू 1947, लाइक साइनिंग ऑफ मैकमोहन लाइन, शिमला पैक्ट, है ना, भारत इंडिया के, इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट होता है ना, शिमला कॉन्फ्रेंस, रेड क्लिफ लाइन, मैप ऑफ चंडीगढ़, ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल डिसीजंस है, ये सारे शिमला में लिए जाते हैं। आप देखेंगे आए दिनों, चाहे हमारे पास मदन मोहन मालवीय है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बिकॉज यहाँ से जो इंडिया की हुकूमत है वो चला करती थी, है ना, जिसमें हमारे पास सारे के सारे वाइस रॉयज है। शिमला की जो फेम है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1827, इसके बारे में अगर किसी ने डिटेल से पढ़ना है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट रिटन बाय ईजे बक, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट रिटन बाय ईजे बक और एडवर्ड बक। एडवर्ड इनके बेटे भी होते हैं, बाद में ये शिमला के कमिश्नर भी बनते हैं। तो आप देखिए शिमला की जो सारी स्टोरी है, एक छोटे से विलेज से, एक इन द अर्लियर 18th सेंचुरी, एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, किस तरह से बन जाती है ना, जिसमें आप देखेंगे हमारे पास चाहे शिमला में फैशन बर्ड है, या फिर हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स है, या फिर हमारे पास जितना भी आपका बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे पूरी 18th सेंचुरी में, अर्ली 19th और 18th सेंचुरी में शिमला एक वन ऑफ द इन द पोस्ट 90s, या जब भी आप 1850 के बाद या अप टू 1947 तक के लिए, शिमला एक पूरे वर्ल्ड में ड्रीम सिटी बनती है। इसके पीछे बड़े सारे रीजन थे। आप देखेंगे जब जो लॉरेंस इसको कैपिटल के लिए, जॉन लॉरेंस जब इसको कैपिटल के लिए रेकमेंड करेगा 1864 में, बनाया जाएगा, एक तो बड़े सारे रीजन थे। पहला जो रीजन था वो क्लाइमेट था, बिकॉज जो यूरोपियन है उस जमाने में उनकी जो कैपिटल है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, फिर हम दोबारा से ये सारा जो है करेंगे। आप देखेंगे जो उस जमाने के यूरोपियंस है, उनकी जो कलकत्ता में हुआ करती थी, हमने ब्रिटिश की सारी हिस्ट्री देखी थी, हाउ दे कम टू इंडिया, किस तरह से वो इंडिया आते हैं, राइट फ्रॉम द बैटल ऑफ कौन सी बैटल से शुरुआत होती है ब्रिटिश की एडवेंट की, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, 1757 से लेकर, प्लासी से लेकर, फिर हम बॉक्सर भी देख रहे थे, बैटल ऑफ बॉक्सर से लेकर कैसे जो मद्रास बॉम्बे एंड लेटर ऑन जो हमारा बंगाल है, मद्रास है बॉम्बे है, ये सारे इनके अंडर आ जाते हैं। फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, चाहे हमारा इंडिया है, वो सारा ब्रिटिश हुकूमत के अंडर रहता है। तो आप देखेंगे किस तरह से उनकी जो ये स्टोरी है, अब तक के लिए शिमला को एक जो समर कैपिटल बनाने की बात है वो होती है, ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया आते हैं। तो हमने देखा एक तो सिर्फ शिमला ही एक ऐसी जगह इंडिया में थी जो उनको किस तरह का वेदर कंडीशन दे सकती थी, यूरोप तरह की,
यूरोप टाइप का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन थी वो उनको यहाँ पर इस तरह का जो टेम्परेचर है वो मिलता था। बिकॉज आप देखेंगे जब वो लंबे टाइम तक के लिए ब्रिटेन की जो अफसरशाही थी, वेदर वाइस राय कमांडर इन चीफ या सेक्रेटरी ऑफ होम, वो जब लंबी छुट्टियों के लिए इंग्लैंड नहीं जा पाते थे, लंदन नहीं जा पाते थे, तो वो कहाँ रहना मुनासिब समझते थे, शिमला में। और एक कोलरा बीमारी फैली हुई थी, हेजा जिसको कहा जाता है, वो बड़ी सारी जो उनकी मिलिट्री है वो डिपॉपुलेटेड हो गई थी यहाँ पर कलकत्ता में, जो उन्होंने अपनी जो आर्मी है वहां पर पोस्टेड उन्होंने रख रखी थी। और दूसरा आप देखिए कि जैसा उनका अफगानिस्तान का इन्वेजन चल रहा था, तिब्बत के लिए इन्वेजन चल रहा था, म्यांमार के लिए इन्वेजन चल रहा था, बिकॉज आई हैव गोन थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा ये बातें, है ना। हमने देखा था कि कैसे जो उन्होंने मराठा है, चाहे हमारा फिर टीपू सुल्तान का ये हैदराबाद है, माइसोर है, त्रावणकोर है, मराठा किंगडम है, या फिर हमारा जो अवध है, ये सारा का सारा जो रीजन है इनके अंडर आ चुका था। और सिर्फ बाद में कौन बचते हैं, सिख रहते हैं। तो सिखों को भी ये बाद में एंग्लो जो सिख वॉर होती है उनको भी अपने अंडर ले ले गए। और बाद में आपने देखा होगा फॉरेन जो उनकी पॉलिसी चलती है, ऑकवर्ड, ये जो हमारा लॉर्ड ऑकलैंड है, फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आएगा, देन मास्टरली इन एक्टिविटी कौन लेके आता है, प्राउड रिजर्व, लॉरेंस लिटन, आगे इस जो पॉलिसी को है इस तरह से बढ़ाते हैं। तो एक तो इनका अफगानिस्तान के लिए भी इन्वेजन चल रहा था, और हमारे जो भी बाहर के मुल्क है जिसमें चाहे तिब्बत है या फिर म्यांमार है, वहां के लिए भी इनका इन्वेजन चल रहा था। तो शिमला स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड था जहां से कि इन सब के ऊपर ये चेक रख सकते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे इसकी जो हिस्ट्री है कैसे स्टार्ट होती है, किस तरह से एक जो इतनी रिनाउंड जो प्लेस है वो शिमला बन जाता है, उसके बारे में हम सब पूरी बात करेंगे। बट उससे पहले पहले हम इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे शिमला की, यहाँ की जो मेन पीक्स है 5131 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंटली कैपिटल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेन जो यहाँ की पीक्स है, इसमें सबसे पहले नाम आता है चांचल, ये 4520 भी लिखा है कहीं इसकी हाइट ना, वैसे 4500 मीटर हाइट है इसकी। चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है यहाँ, रोडू वाले रीजन में ये आती है चांचल पीक। दिस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला। एंड देन तूरधार, ये बहुत सारी जगह में आपको सिरमौर में लिखा हुआ मिलेगा, बट ये दोनों में आती है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला का चौपाल वाला रीजन है वहां पर ये रहती है। और उसके बाद है सीहा पीक, ये चायल में है, सोलन और शिमला दोनों के साथ, दोनों डिस्ट्रिक्ट में आती है ये भी। और शाली, छोटा शाली या शाली पीक है, एंड हाटू, शाली सुन्नी तहसील में आती है और हाटू कोटगढ़ कुमारसेन में। और शिमला सिटी में प्रॉपर में अगर आप पीक देखेंगे, इसमें जाखू, जाखू हिल्स है, जैसा कि आपको पता है ऐसा माना जाता है लॉर्ड जो हमारे हनुमान जी हैं उनका भी अभी वहां पर ये टेम्पल है। और ऐसा कहा जाता है कि रामायण टाइम में जब वो संजीवनी लेके आए आए थे कहते, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने इस पहाड़ी पर रेस्ट किया था, और बाद में ये जो पहाड़ी है इसकी हाइट ज्यादा थी और वो अब धस चुकी है ना। उसके बाद जाकू के बाद है समरहिल, जो आपकी एचपी यूनिवर्सिटी है इस हिल में सिचुएटेड है। देन ऑब्जर्वेटरी हिल्स, ऑब्जर्वेटरी हिल्स एडवांस स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। एंड प्रोस्पेक्टस हिल, वाटर हिल्स, एल्जियम हिल्स, एल्जियम हिल्स, ये पॉटर हिल्स या म्यूजियम हिल्स के नाम से भी जानते हैं इसको। एंड तारा देवी हिल्स, इन पहाड़ियों के बीच जो शिमला शहर है वो बसा हुआ है। आपको पता है शिमला इज ओनली द अर्बन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जो टीयर्स होते हैं ना, जैसे उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, फिर उसके जोनल ऑफिस है चार बड़ी बड़ी सिटियों में,
और 22 जो उसके रीजनल ऑफिस रहते हैं, उसमें से शिमला में भी एक रीजनल ऑफिस है। तो शिमला इज क्लासिफाइड ओनली एज द अर्बन 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 एरिया, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट शिमला की सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है पूरे हिमाचल में। तो हमने देखा ये जो डिफरेंट हिल्स है, जाक हिल्स की हमने बात करी, समर हिल है, ऑब्जर्वेटरी हिल्स है, प्रोस्पेक्टस हिल्स, ये पॉटर हिल्स जो पिट्रॉफ वाला रीजन है ना, जो पिट्रॉफ है वहां पर है ये, एल्जियम हिल्स, एल्जियम हिल्स जिसमें ऑकलैंड हाउस है, आज का जो ऑकलैंड हाउस है वो उस पहाड़ी में आता है, या फिर चैप्सली का जो बिल्डिंग है ना, वो वाला जो एरिया है वो एल्जियम हिल्स में रहता है, एंड तारा देवी हिल्स, ये वाला जो सारे के सारे हिल्स है वो शिमला में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमने देखा था, और यहाँ पासिस पास कौन सा है, बुरन, या जिसको बरुआ भी बोला जाता है, ये किसको कनेक्ट करता था, पबर वैली को विद द सांगला वैली, पबर और सांगला वैली के बीच में ये पास है, ये दोनों इसको कनेक्ट करता है। एंड देन और क्या है इसमें जियोग्राफी में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो कौन सी थी, शिमला वाटर कैचमेंट एरिया, शिमला वाटर कैचमेंट एरिया कब बनाया गया था ये, 1958, और टालरा एंड दरंग घाटी, दरंग घाटी 1 एंड 2, ये टालरा कहाँ है, नियर टाउन कौन सा है, जुब्बल, और ये दरंग घाटी रामपुर, और ये है शिमला के ही नजदीक में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिमला वाटर कैचमेंट एरिया, टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दरंग घाटी रामपुर बुशहर में, ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और क्या इसकी इंफॉर्मेशन में जियोग्राफी में, रिवर्स देखो, रिवर्स की मैं बात कर रहा था, आप देखेंगे आगे जाकर के जब हम इनके आजकल प्रेसिडेंट आ रही है कल शिमला, है ना, न्यूज में भी आपने देखा होगा राष्ट्रपति शिमला आ रही है द रिट्रीट, उनके जो रेजिडेंस है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ 1864, जबकि जो जॉन लॉरेंस है आप देखेंगे ब्रिटेन की सरकार है, मतलब सोचो जैसे उस जमाने का वाइस रॉय है तो आज का प्रधानमंत्री है, उसकी इक्विवेलेंट पावर थी, वो शिमला में बैठ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी ये रेजिडेंस इनके आएंगे, चाहे पहले पिट्रॉफ में रह रहे हैं, या पिट्रॉफ से जो पहले कुछ ऑकलैंड हाउस में भी रहे, पहले कैनेडी हाउस में रहते हैं, और हमारा जो बेंटिक कासल है वहाँ पर रहते हैं, फिर ऑकलैंड हाउस में डल हाउजी जा करके स्ट्रॉबेरी हिल्स में भी रहेगा, फिर उसके बाद जो है आगे जा करके पिट्रॉफ में रहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में रहेंगे, जो कि आज बोलते हैं, उस टाइम तो उसका नाम जो है वो द रिट्रीट था, है ना, जो उसका बाईस रिगर लॉज था, सॉरी रिट्रीट नहीं, बाईस रिगर लॉज उसका नाम उस टाइम था, और आज रिट्रीट से लेकर की जो स्टोरी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजिकल इन्होंने इतनी अच्छी लोकेशन में बना रखे थे, अगर आज आप कोई पिट्रॉफ गया है, देखा है पिट्रॉफ, पिट्रॉफ अगर कोई आज गया हुआ है हिमाचल, जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये उसका सर्किट हाउस है, गेस्ट हाउस है, वहां पर ही बॉर्डर डिवीजन का काम करता है, जो उसके दूसरी साइड को बॉर्डर जाता है वो सारा कहाँ गिरता है, घंबर में गिरता है, है ना, और अगेन दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, और सतलज अपने आप में इंडस रिवर सिस्टम में पानी छोड़ती है अपना, और वो किस में जा रहा है, ये जो हमने देखा था, ये जो है इधर इंडस रिवर जो सिस्टम है वो अरेबियन सी में जा रहा है, और जो उस साइड का वाटर है सारा वो किस में आता है, यमुना में, है ना, अश्वनी में आ रहा है, अश्वनी अगेन आपको पता है गिरी में मिल रही है, गिरी यमुना में जाती है, यमुना किस में जा रही है, गंगा में जा रही है, गंगा कहाँ मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। तो अपने आप में जो शिमला रिज है, जो शिमला रिज बनाया गया है वो भी एक बॉर्डर डिवीजन का काम कर रहा है, रिज से जो दूसरी साइड वाला बॉर्डर है वो कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी में, और जो छोटा शिमला वाली साइड का बॉर्डर है ये कहाँ जा रहा है, ये बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। तो ये एक बॉर्डर डिवीजन का जो काम है वो करती है। और अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, यहाँ पर जो ह्यूज शिमला टाउन अपने आप में कौन सी रेंज में सिचुएटेड है, दौलाधार में, है ना, इसका जो एक्सटेंशन है चूरधार, इसका एक्सटेंशन है चांचल, इसका एक्सटेंशन है, रेंजेस भी देख लेना है ना, ये किस में सिचुएटेड है, इनर हिमालयाज में। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे इंटायर डिस्ट्रिक्ट शिमला की,
बिकॉज जब मैं आपको हिमाचल की मैं ज्योग्राफी बता रहा था तो हमने देखा था वी हैव डन विद द शिवालिक्स की शिवालिक्स का जो सदर्न स्लोप होता सदर्न स्लोप समझ रहे हैं वो कैसा होता उसमें क्या बन रहे थे चोस बन रहे थे क्या होते व्हाट इज चोस फॉर्मेशन कि उसमें वेजिटेशन नहीं है और जो उसका जो स्लोप है वो कैसा है ज्यादा स्टीप है ना जो स्लोप है ग्रेजुअल नहीं है इसीलिए वेजिटेशन कवर जो सॉयल फॉर्मेशन है वहां हो नहीं पाती है ना चोस फॉर्मेशन इसीलिए हो रहा था। और फिर बात कर रहे थे हम कौन से वाली साइड किसकी जो इसका नॉर्दर्न स्लोप है ना हमने हिमालयाज की बिकॉज हिमालयाज की स्पेशलिटी है हम बात कर रहे थे ग्रेटर हिमालयाज में हमने देखा जैसे आपकी जो माउंट एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट को कहाँ से चढ़ना आसान है चाइना वाली साइड से है ना बट डिफिकल्ट कहाँ से है सदर्न साइड से तो क्योंकि यहाँ जो टेरेन है वो कैसा है ज्यादा स्टीप है ग्रेजुअल नहीं है तो यही विशेषता आपको देखने को मिलेगी। तो इंटायर जो डिस्ट्रिक्ट ये शिमला है वेदर आपका एरिया ऑफ चौपाल है एरिया ऑफ जुब्बल है एरिया ऑफ रोहड़ू है एरिया ऑफ जुब्बल कोटखाई है कोटगढ़ कुमारसेन है एरिया ऑफ शिमला है ये वाले रीजन में आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। टोपोग्राफी यहाँ बहुत अच्छी है फिजियोग्राफी यहाँ की बहुत अच्छी है दैट्स वाई आज भी आप देख रहे हैं वन ऑफ द हब इन हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए जो मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट विलेजेस इन एशिया आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये फिजियोग्राफी ही यहाँ की इस तरह की थी कि इतने दूर से लंदन से आकर के जो ब्रिटेन के लोग हैं वो यहाँ रहने वो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इन जो रिवर की सिग्निफिकेंस है टाइम टाइम पर उन्होंने ब्रिटिश जो सर्वेंट्स थे कहीं पर उन्होंने फिश फार्मिंग स्टार्ट कर दी कहीं जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो लगाने स्टार्ट कर दिए इसी में आप देखेंगे आगे जाकर के जुब्बल का राजा भगत चंद आएगा शिमला हिल्स में पहला वो रूलर बना था जिसने कि अपनी जो स्टेट में है वो बिजली ला दी थी है ना शिमला टाउन में भी तब जो बिजली है वो नहीं थी सिर्फ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है ना ये सिर्फ एक ऐसा बिल्डिंग था जिसको कि इलेक्ट्रीफाइड ब्रिटिशर्स ने कर रखा था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर अदरवाइज ये जो जुब्बल वाला राजा था इसने पहली बार जो है अपने जो एरिया में है वो बिजली इसने विद द हेल्प ऑफ जो पावर प्रोजेक्ट है रिवर में वो लगा रखे थे इन्होंने। तो इस रीजन में आप देखेंगे जो मेन मेन जो इनकी रिवर्स होगी पहली तो इसमें आएगी सतलज एंड देन सेकंड जो रिवर सिस्टम है वो है पब्बर पब्बर अगेन जो कि किसमें मिल रही है और गिरी भी है या फिर आप इसको लिख सकते हैं यमुना यमुना रिवर सिस्टम। अगर हम इस पहले यमुना रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ शिमला में इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है गिरी एंड पब्बर। इसकी दो बड़ी ट्रिब्यूटरी है पहले गिरी एंड दूसरी है पब्बर। ये जो पब्बर वैली है मैंने बताया सारा आपको इसके बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। पब्बर का हमने देखा अगेन इसका ओरिजिन कहाँ से है चंदन नहान से है। पब्बर कहाँ से निकलती है चंदन नहान से। चंदन नहान जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है चांचल में। इसको हम किस लिए डेवलप कर रहे हैं सरकार हाँ नई राह नई मंजिलों में किसके लिए डेवलप किया जा रहा है इसको फॉर द स्कीइंग है ना स्कीइंग जो स्कीइंग की फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ से ये नदी निकलती है पब्बर और आगे जाकर के इसको चिड़गांव में कौन सी रिवर मिलेगी आंध्रा। आंध्रा में मैंने बताया था इस नदी में बाढ़ भी आई थी जो वो चिड़गांव वाला रीजन है वो भी इसने स्वेप्ट कर लिया था। तो आंध्रा में कौन मिलेगी पब्बर को आंध्रा में मिलेगी आंध्रा मिलेगी चिड़गांव में ठीक है। फिर उसके बाद और छोटी छोटी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसमें हमने बात करी थी पैजौर ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और बिशकल्टी आंध्रा पैजौर बिशकल्टी एंड और कौन सी थी मथरेटी बताओ पढ़ाओ आपने सारा है मथरेटी एंड शालवी और पटसारी एंड शिकड़ी थी एक तो ये जो ट्रिब्यूटरी है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है इसकी है सारे का सारा जो रोडू वाला रीजन है ना वहीं पर छोटी छोटी ये जो ट्रिब्यूटरी है इसकी रहती है। हमने बात करी आंध्रा ये भी चांचल की पहाड़ियों से ही निकलती है फिर चिड़गांव में किसको मिल जाती है पब्बर को मिल जाती है और पैजोर ये भी चांचल की पीक से निकलती है और फिर इसमें मिल जाती है पब्बर में। बिशकल्टी है हाटकोटी के पास मिलती है इसको मथरेटी है ये जो है मुराल डांडा से निकलती है
और बडियारा के पास है, इसमें मिल जाती है बब्बर में। शालबी अगेन ये हाटकोटी के पास ही है, पड़सारी, पड़सारी खड़ा पत्थर से निकलती है, विलेज पड़सारी में पब्बर में मिल जाएगी। और शिकड़ी है, ये भी रोडू के पास ही इस नदी में मिल जाती है। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी रोडू वाले रीजन में है, ठीक है। और फिर जो अपने आप में पब्बर है, ये कहाँ मिलती है, किसको मिलती है पब्बर, कौन को कहाँ मिलती थी, आराकोट त्यूनी, ठीक है। ये आराकोट त्यूनी में किसको मिल जाती है, तोंस में। फिर हमने यहां देखा था इस नदी में कौन सा डैम बना हुआ है, किशाऊ, कितने मेगावाट का था, 660 मेगावाट, उत्तराखंड और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में एमएमयू है उसके बीच में। और ये जो किशाऊ बांध परियोजना है इस तोंस नदी में बनाई जा रही है। देन उसके बाद ये जो तोंस है वो किस में मिल रही थी, यमुना में, कहां मिल रही थी, ऑन द बेसमेंट ऑफ कलसी, ठीक है। कलसी के जो आसपास में है वो इसको तोंस में मिल रही, तोंस जो है अपने आप में किस में मिल रही है, यमुना में। फिर यमुना आपको पता है, यमुना हिमाचल में भी थोड़े टाइम आती है, फिर उसके बाद हरियाणा, हरियाणा से कहाँ चली जाती है, दिल्ली, दिल्ली से यूपी, आगरा, मथुरा होते हुए जो है त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है, प्रयागराज में है ना, इलाहाबाद में ये जो है इसको मिल जाती है। तो एक तो रिवर सिस्टम ये है, अगेन मैंने बताया इसका सिग्निफिकेंस आपको पता है, ये जो पब्बर वैली है, पब्बर वैली के नाम से भी ये जानी जाती है। नाउ दिस वैली इज अर्लियर टाइम फेमस फॉर द रेड राइस, जिसको कि डोखरे का धान भी कहा जाता है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अप्लाइंग फॉर द जीआई टैग, जीआई टैग को भी हम देने की बात कर रही हैं, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। नाउ दिस एंटायर वैली इज द फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ या फॉर द हॉर्टिकल्चर, जो एप्पल में है, एंटायर वैली कन्वर्ट हो चुकी है। फ्रॉम द कहाँ से शुरू होती है ये, फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ विलेज, टिकरी विलेज है ना, जो चांचल के बेसमेंट में ये विलेज आता है टिकरी, वहां से लेकर कहाँ तक के लिए है ये, अप टू हाटकोटी, वहां तक के लिए जो ये वैली है वो इसका एक्सटेंशन रहता है। और यहाँ पर जो है कौन सी टाइप की मछलियां उगाई जाती है, ट्राउट्स, किसने इंट्रोड्यूस करी थी, मिस्टर ग्लोबर ने, इन विच ईयर, 1938 एंड 39 में, इस ईयर में जो ये कार फिश है उनके जो बीज है इस नदी में, क्योंकि ये कहाँ होती है, ठंडे पानी में होती है, तो इसके लिए ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका माना जाता है, ठीक है। और एक इसमें और जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, सावड़ा कुड्डू, दैट इज कितनी कैपेसिटी है उसकी, 111 मेगावाट का, ये जो सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट है ये भी इस रिवर सिस्टम में लगा हुआ है। तो हमने बात करी थी ये कुप्पड़ की पहाड़ियों से दूसरी साइड को है, फिर दूसरा जो ये गिरी गंगा है या जो गिरी रिवर है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि कुप्पड़ की पहाड़ियां है जुबल टाउन के पास, वहां से जो दूसरी साइड को इस गिरी नदी का पानी जाता है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि ऐसा मानते थे जो ये जनश्रुति है, ऐसा कहा जाता था कि ये भी पहले किस साइड को बहा करती थी, रोडू वाली साइड को, और इस पब्बर में ही अपना पानी छोड़ती थी। और जो ये जुबल का राजा था, बिकॉज ऑफ उसकी क्रुएलिटी से इस नदी ने है उल्टा बहना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर देखेंगे आप गिरी गंगा जहां से इसका ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के बारे में भी हमने मिथ सुनी थी कि ये कोई साधु थे कहते, और वो जो हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ है इन स्थानों पर वो गए हुए थे, और जब वो वापिस आ रहे होते हैं और उनके करमंडल में वो वॉटर था, और कहते हैं उनके करमंडल से ये पानी गिर जाता है और उनके मुंह से निकलता है गिरी गंगा की, गंगा का जो पानी वो गिर गया, और तब से लेकर वहां से एक जो स्ट्रीम, अगर कोई गिरी गंगा गया आप गए होंगे उस पानी में इस तरह का इंसिडेंस देखने को मिलता है, कहीं पीछे जा करके वो पानी है और थोड़े बीच वाली जगह में वो डिसअपियर हो जाता है, फिर आगे जा करके फिर से जो है वो वहां से स्ट्रीम है वो निकलती है। तो ये ऐसी जनश्रुति, और इस रिवर को आप देखेंगे वहां से कुप्पड़ की पहाड़ियों से निकलेगी, फिर जुब्बल से ये कोटखाई वाले रीजन में एंटर करेगी। लोगों का बड़ा जो है इसका रिलीजियस मिथ है, जिसमें आज भी इसको रिलीजियस रिवर माना जाता है। मैं बता रहा था आपको कि कोविड टाइम में जब लोग अपनी अस्थियां प्रवाह करने के लिए कहाँ नहीं जा सकते थे, हरिद्वार नहीं तो जो गिरी गंगा है वहां पर भी अपनी जो अस्थियां उसका प्रवाह किया करते थे, है ना। फिर मैंने कोटखाई में आपको बताया जो कूड़ग है वहां पर वहां के जो देवता है वो स्नान करते हैं इस नदी में, वहां से फिर ये निकलती है गुमा, गुमा कोटखाई होते हुए फिर ये शिमला और सिरमौर के बीच में बाउंड्री बनाती हुई जाती है, और पराला सेंज में इसको मिलती थी पाताल गंगा, जो कि अपने आप में कहाँ से निकलती है, चूरदार की पहाड़ियों से, और यहाँ इसको ये पाताल गंगा मिलती है, और फिर शिमला और सोलन, शिमला और सिरमौर के साथ बाउंड्री बनाती हुई आती है, और सिरमौर में एंटर कर जाती है। यशवंत नगर में इसको कौन मिल रही होती है, अश्वनी मिलती है। अश्वनी कहाँ से आई थी, शिमला वाटर कैचमेंट एरिया से,
जो भी शिमला से नीचे वाला पानी है ये सश्वनी में आ रहा है, और वहां से ये जो नदी है ये किस में मिल जाती है, अश्वनी, गिरी में मिल जाती है, और गिरी फिर आपको पता है आगे जाकर के सिरमौर में जाती है, और सिरमौर में बड़ी सारी ट्रिब्यूटरी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आपने देख रखी है। सिरमौर को दो रीजन में ये डिवाइड करती है, सिस एंड ट्रांस में, ट्रांस रीजन और सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी, गिरी आर और गिरी पार वाले रीजन में ये इसको जो है डिवाइड है वो करती है, और फिर इस तरह से अपने आप में जो गिरी है वो भी यमुना में मिल जाती है ना, डाक पत्थर के पास मोटा साहब में ये भी किसको मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो मेजर जो रिवर सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट शिमला का वो यही बनाती है, कौन, रिवर पबर, पबर और गिरी का जो रिवर सिस्टम है दैट इज द रिवर सिस्टम ऑफ यमुना। तो ये इसकी जो रिवर्स है, हमने डिटेल में इसके बारे में बात कर रखी है पहले, मैं सिर्फ जो है उसको दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा था। एंड देन उसके बाद जो हमारा दूसरा रिवर सिस्टम है वो कौन सा है, सतलज। सतलज में अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो पानी है ये हमारा जो सुन्नी वाला रीजन है, कोटगढ़ कुमारसेन सुन्नी, इस वाला जो रीजन का बॉर्डर है वो इसमें जाता है। सतलज जैसा कि आपको पता है कहां से निकलती है सतलज, मानसरोवर से, कौन सा लेक है, राक्षसताल, राक्षसताल मानसरोवर में ये निकलती है, और इसको तिब्बत में क्या नाम देते हैं, लोंगचेन खम्बान, डबल एच चाहिए, लॉन्ग चैन खम्बान, लॉन्ग चैन खम्बान नाम इसको दिया जाता है, और हिमालय से निकलने के कारण इसको हेमवती भी बोलते हैं, और ग्रीक ने क्या नाम दिया था इसको, हिसिड्रस और जाराद्रासा, भूलना नहीं है, ग्रीक ने इसको हिसिड्रस एंड जाराद्रासा नाम दिया था, एंड फिर किन्नौर के लोग इसको क्या बोलते हैं, जंगती, हो सकता हम प्रोनाउंस ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी नेगी जी, क्या बोलते हैं किन्नौर वाले, जंगती पानी को बोलते हैं, है? और मुकसंग, मुकसंग और जो जंगती नाम है वो किन्नौर में दिया जा रहा है, लोकल डायलेक्ट डिफरेंट हो सकता है बट दिस इज रिटेन। सो किन्नौर में इसको ये नाम से जाना जाता है, और इसको रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं, मैंने बताया था कि ऐसा माना जाता है कि बड़ा सारा जो लोग है उस रामपुर बुशहर के पास इस नदी में डूबो गए थे, और उससे कहते जो है ये इस नदी को है वो लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सतलज है इस तरह से ये हमने देखा था किन्नौर में, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है जिसमें हम बात कर रहे थे स्पीति की, है ना, और बासपा विच इज नोन एज द ब्रदर ऑफ सतलज, जो अपने आप में सांगला वैली बनाती है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था और किस नाम से जानी जाती है सांगला वैली, बासपा वैली का दूसरा नाम क्या था, किसके लिए फेमस थी, मैंने बताया आपको। तो ये जो बासपा वैली है हमारी, और दूसरी स्पीति है, स्पीति की भी हम बात कर रहे थे, तैगबो कैब्जियन जो इसकी अपनी ट्रिब्यूटरी है ना, कोई इसको जो ये करछम में बासपा मिल रही है और छाब में इसको स्पीति मिल रही है, वहां से किन्नौर वाले रीजन में बहती है, किन्नौर को डिवाइड करती है, किन्नौर को दो इक्वल पार्ट्स में तो मैं नहीं बोलूंगा बट किन्नौर को डिवाइड करती है, फिर आकर के कहाँ आती है, ये शिमला में आती है। शिमला में कौन सी प्लेस में एंटर करती थी, छुहार के पास, छुहार है, छुहार या जो छुहार विलेज है वहां ये छोड़ करके आ जाती है, और बादल जो विलेज है वहां एंटर करती है शिमला में, और उसके बाद शिमला और कुल्लू के बीच में ये बाउंड्री बनाती हुई चलती है। कुल्लू का भी हम देख रहे थे, ये कुल्लू की जो हमने जिसमें कौन कौन सी खड्डे थी इसकी, जैसे कुरपाण है ना, ये जो है कुरपाण है और आनी है और कुड्डी है, ये बेहा कुड्डी, ये जो ऐसी ऐसी यहाँ की नदियां हैं ये छोटी छोटी इसमें मिल रही थी, और यहाँ से शिमला और पहले कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाती हुई चलती है ना, फिर शिमला में यहाँ पर इसकी बड़ी सारी ट्रिब्यूटरी है, जिसमें मेन तो कौन सी थी, नोगली, और कौन सी थी, खेखर, बाघ, सवेरा, चिखर, ये इसकी यहां पर शिमला में ट्रिब्यूटरियां थी। फिर आगे देखो मंडी के साथ बना रही है, करसोग के साथ ही बाउंड्री बना रही है ना सुन्नी, एक साइड को सुन्नी है दूसरी साइड को पार तत्ता पानी से जो दूसरे वाला रीजन है वो करसोग का आता है, वहां पर कौन सा रीजन लग रहा है, ये इमला बिमला जो मैंने करसोग की बताई थी ना, शिकारी देवी हिल से निकलती है, वो भी इसकी अपनी ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे आप सोलन की देख रहे थे, जैसे जिसमें हमारी अली आती है ना, और घंबर है, ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, और फिर जाकर के कहाँ चली जाती है, बिलासपुर में जाती है। सोलन के साथ भी देखो हल्की सी सोलन में भी आ रही है, सोलन वाले रीजन के साथ भी यहाँ ये बाउंड्री बनाती हुई
सोलन और यहाँ इसके साथ दाड़ला घाट वाला जो रीजन है ना, यहाँ और इसकी मंडी के साथ बाउंड्री बनाती है, बिलासपुर में जा रही है। बिलासपुर में आपको पता है इस पर भाखड़ा नंगल जो डैम है हमने बना रखा, एक बार इसमें जो है कोटी जो रियासत में थी, जो वहाँ के 1762 में इसमें लैंडस्लाइड भी आया था और इस नदी का जो रास्ता रुक गया था, है ना। कौन थे बिलासपुर के कहलूर के राजा? राजा देवीचंद, है ना, उनके बारे में हमने बात करी थी। तो ये जो नदी है इस तरह से रिवर सतलज भी जो है वो यहाँ से छोड़ करके चली जाती है। दिस इज द रिवर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो ये जो यहाँ की नदियाँ है वो मेनली आपको देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद क्या बचता है जियोग्राफी में? लेक्स है। लेक्स में क्या क्या है? तानू जुब्बल और तानू जुब्बल थी, गढ़कुफर, करेली, और तानू जुब्बल है, गढ़कुफर है, करेली है एंड चंदर नहान और कहाँ है ये खड़शाली? चिड़गांव। खड़शाली थी और सरुताल ये कहाँ था? चांचल में। हाँ जी, सरुताल और ब्रादोनसर। ब्रादोनसर ये डोडरा कुंवार में है। ये जो लेक्स है वो शिमला में देखने को मिलती है, तानू जुब्बल और गढ़कुफर, करेली, बोल रहे कुछ? क्या बोल रहे हैं? करेरी 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 करेली है यहाँ कांगड़ा में, तो करेरी करेरी है ना, रॉ है ये, ली है। चंद्र नहान एंड खड़शाली, सरुताल और ब्रादोनसर, ये इसकी जो लेक्स है वो शिमला में सिचुएटेड है। फिर और क्या रहता है जियोग्राफी में? पासिस हो गए, पीक्स हो गई, रिवर हो गई, चंद्र नहान वैसे तो ग्लेशियर नहीं है, हाईएस्ट पीक चांचल है, बचा कुछ जियोग्राफी का? और देन इकोनॉमी, इकोनॉमी में आप देखेंगे दिस डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एप्पल। 1887 में अलेक्जेंडर काउट्स ने ब्रिटिश किस्म का पहली बार सेब लगाया था, आज ये मशोबरा में है, रिसर्च सेंटर अलेक्जेंडर काउट्स गार्डन के नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल गवर्नमेंट के पास है। अलेक्जेंडर काउट्स ने 1887 में पहला जो सेब का बगीचा है वो यहाँ लगाया था। उसके बाद 1918 में जो अमेरिकन किस्म का सेब है, कहीं 1914 भी लिखा होगा है ना, पर कमर्शियल हुआ था 1918 से, दैट इज बाय सैमुअल इवांस स्टोक्स, जिनको क्या नाम था, अपना नामकरण चेंज करके सत्यानंद स्टोक्स, ही वॉज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, नोन एज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। एंड इनको, सत्यानंद स्टोक्स को, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है सत्काम। तो इन्होंने कमर्शियल हुआ था वैसे 1914 में, इन्होंने अपना जो पहला बड़ू बाग कोटगढ़ में अपना पहला जो बगीचा है वो लगाया था, बड़ू बाग कोटगढ़, वहां पर इन्होंने जो अपना बगीचा है पहला लगाया था। और 1918 से यहाँ पर जो इसकी कमर्शियल अमेरिकन टाइप का पेन, मैं कहती है वहाँ की जो स्टिक्स है वो लाए थे, क्योंकि ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप का जो एप्पल है वो माना जाता था,
और तब से लेकर जो इसकी कल्टीवेशन है वो कमर्शियल की जा रही है। आज आप देखेंगे बड़े सारे हमारे पास कोल्ड स्टोर का जो चैन है वो रहता है, और वन ऑफ द जो टोटल फूड प्रोडक्शन के लिए है, 40% जो टोटल प्रोडक्शन है वो किसके अंडर आता है, एप्पल के अंडर आता है। तो इसमें भी आपने देखा था हमारे पास जो एशिया में वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज है, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्यारी, ये एशिया का रिचेस्ट विलेज रह चुका है बिकॉज ऑफ दिस एप्पल प्रोडक्शन ऑफ जुबल कोटखाई। और आज कल जो ये मड़ाओग है, चोपाल का ये विलेज है, ये एशिया में रिचेस्ट है। 70 to 80 lakh पर फैमिली जो इनकी एवरेज इनकम है, वो सालाना पर परिवार की इतनी आय मानी जाती है। और कुछ टाइम के बाद इस विलेज को, ये जो चिड़गांव है रोडू का, ये इस विलेज को रिप्लेस करने वाला है, वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज इन एशिया। तो ये बड़े सारे जो इसकी इकोनमी है, आज तो टूरिज्म भी है, डिस्ट्रिक्ट शिमला हैज इमेंस स्कोप ऑफ टूरिज्म, बट मेन जो इसका इकोनमी का एक सोर्स था, दैट वाज द एप्पल इंडस्ट्री। और ये जो है, इस तरह से इन्होंने एप्पल का यहाँ पर काम शुरू हुआ है। फिर आप देखेंगे, जैसे मैंने पॉपर वैली में बताया, इसके द्वारा जो मिस्टर ग्लोबर थे उनके द्वारा जो एक ऑफ ट्राउट जो फिश है उसकी फार्मिंग स्टार्ट की गई थी, और उसके साथ मेजर कैनेडी, मेजर जो कैनेडी है, ये एप्पल कल्टीवेशन, ये यहाँ पर पोटेटो कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे, मेजर चार्ल्स पैट कैनेडी, ये कैनेडी हाउस भी था जिनके नाम से, है ना। ये इनकी इनका नाम और भी आगे आएगा। इन्होंने यहाँ पर जो है पोटेटो की कल्टीवेशन है वो करवाई थी, कुफरी ज्योति, कुफरी सोना, है ना, ये जो सारी की सारी किस्में हैं वो आलू की है। और भारत सरकार का एग्रीकल्चर पोटेटो रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है, वो शिमला में सिचुएटेड है। फिर हमने देखा था ये जो हमारी शीप ब्रीडिंग फार्म है वो भी कहाँ है, ज्योरी में है, ज्योरी में फिश प्रोडक्शन फार्म है, फिश नहीं, शीप, शीप प्रोडक्शन फार्म, शीप प्रोडक्शन जो फार्म है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। और आर्ट एंड कल्चर में नाम आते हैं टेम्पल्स के, जिसमें आपको पता है हार्ट कोटी है जो कि पिरामिड स्टाइल में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा ये जो मंदिर है, सिरमौर की हिस्ट्री में बताया जाता है कि सिरमौर के राजा जो थे, उन्होंने वीर प्रकाश, उन्होंने उस मंदिर को बनाया था। पर मोस्ट ऑफ द जो हिस्टोरियंस है वो इस बात से डिसअग्री करते हैं, उनका मानना है कि जो इस सिरमौर का रूलर था, इसने जीर्णोद्वार कहते इसका करवाया था, बट जो बना है वो पांडवों के टाइम का ये जो मंदिर है वो बना हुआ है। और यहाँ शोणितपुर जो कि भीमा काली है ना, सराहन में, रामपुर बुशहर में भीमा काली का टेम्पल है। और उसके बाद जो आपके ये और जो टेम्पल के नाम आते हैं, जिसमें ये शिमला के हैं, इनके बारे में आपको सब कुछ पता है, कालीबाड़ी है जिसके नाम पर की जो शिमला का नामकरण है वो भी हुआ है, हनुमान जी का टेम्पल है, तारा देवी का टेम्पल है, या रामपुर में नीरथ में जो है सन टेम्पल है, इस तरह के और बड़े सारे जो छोटे मोटे टेम्पल है, बिजट महाराज सराहां का जो ये टेम्पल है, चूड़धार, चूड़धार ये जो शिरगुल महाराज का टेम्पल है, ऐसे ऐसे जो कई मंदिर है इस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सो ये यहाँ की इकोनॉमी के बारे में है। देन फैक्ट्स एंड फिगर, यहाँ क्योंकि देश की भी राजधानी रही है, हिमाचल की भी राजधानी रही है, और इस डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल रहता है हिमाचल की कंट्रीब्यूशन के लिए, बड़े जो नाम है इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जिसमें नाम आएगा राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, महासू सीट से ये चुनाव लड़के जाती थी, और ये देश की पहली जो महिला स्वास्थ्य मंत्री है वो बनती है। उसके बाद नाम आता है अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, इनकी जो एजुकेशन है जीसस एंड मैरी, जो आज का चेल्सी स्कूल के नाम से जाना जाता है, जीसस एंड मैरी स्कूल से इनकी एजुकेशन होती है, बिकॉज शी डोंट हैव एनी बिलीव इन द कैथोलिज्म, जो ये सिस्टम ऑफ नंस है ना, जैसे हमारा हिंदुइज्म चलता है ना, तो वैसे ही कैथोलिक्स का जो इनका सिस्टम सिस्टम चलता है उस पर इनका विश्वास नहीं था, बिकॉज ऑफ इनका जो भगवान में कोई विश्वास ना होने की वजह से इनको बाद में स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया गया था। और बाद में शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पेंटर इन द वर्ल्ड,
बड़ी सारी इनकी जो पेंटिंग्स है आज भी नाम आता है, सिटिंग न्यूड है ना, पहाड़ी विमेन, इस तरह की जो बड़ी सारी इनकी जो इनकी जो है पेंटिंग्स है वो वर्ल्ड रिनाउंड है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। ये अमृता शेरगिल के द्वारा जो है वो, ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी यहाँ की रही है। फिर उसके बाद और जो नाम है वो आता है पॉलिटिक्स की फील्ड में, ठाकुर रामलाल। ये इकलौते ऐसे हिमाचली रहे हैं जो 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे एंड देन ही बिकम द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। जुब्बल कॉन्स्टिट्यूएंसी से 9 मरतबा ये विधायक रहे हैं और इनका जो जन्म है वो विलेज बरथाटा जुब्बल में हुआ है। उसके बाद लेट सीएम राजा वीरभद्र सिंह, छह बार के मुख्यमंत्री, मैनी टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर और पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाईएस्ट टाइम तक के लिए जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। उसके बाद जस्टिस भवानी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, जुब्बल के रहने वाले हैं। देन जस्टिस लोकेश्वर पांटा, ये भी हिमाचल प्रदेश से इकलौते हिमाचली है जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, जस्टिस लोकेश्वर पांटा एंड एज द लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। जस्टिस अजय मोहन गोयल, शिमला के रहने वाले हैं, ये भी आजकल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज है। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जुब्बल कोटखाई या नाहौर के रहने वाले हैं, ये भी आजकल एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के भी चेयरमैन बने हैं और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये जज है। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस अभिलाषा सिंह, ये गुजरात हाई कोर्ट की भी जज रही है और नागालैंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है और आजकल जो हमारा लोकपाल है उसकी मेंबर है। राजा वीरभद्र सिंह की डॉटर है जस्टिस अभिलाषा सिंह। उसके बाद अनुपम खेर, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, शिमला के रहने वाले हैं, डीएबी लक्कड़ बाजार से इनकी एजुकेशन हुई है। ये प्रीति जिंटा रोडू की रहने वाली है, सेंट वीड्स कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई है। सेलिना जेटली जिसे सेंट मैरी स्कूल से पढ़ी है, शिमला की रहने वाली है और फर्स्ट आईपीएस ऑफ हिमाचल प्रदेश आरआर वर्मा ठियोग के रहने वाले हैं। डीजीपी हिमाचल प्रदेश रिटायर्ड हुए हैं रतिराम वर्मा, ये फर्स्ट आईपीएस हैं हिमाचल के। इनके बेटे राकेश वर्मा 3 टाइम ठियोग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रहे हैं। सत्यानंद स्टोक्स, सैम ओलिवान स्टोक्स जो कि अमेरिकन मिशनरी थे है ना, इनको फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश भी जाना जाता है, सत्काम इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। और इन्हीं की फैमिली की फर्स्ट स्पीकर, लेडी फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश मैडम विद्या स्टोक्स।
मैडम विद्या स्टोक्स, और टीका दिग्विजय चंद्रा, फर्स्ट आईसीएस ऑफ इंडिया। ये राजा वीरभद्र सिंह के ससुर थे, इनकी दो रानियां हुआ करती थी, पहले वाली जो जुब्बल स्टेट से रानी थी उनके ये फादर थे टीका दिग्विजय चंद्रा, और ये हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके ओएसडी भी रहे हैं, राजा भगत चंद के बेटे थे टीका दिग्विजय चंद्रा। बुडविल पैलेस आज भी आपने देखा होगा, शिमला का जो बुडविल पैलेस है वो इनकी इनसे जुब्बल वाले राजाओं से बिलोंग करता है। टीका दिग्विजय चंद्रा ये फर्स्ट आईसीएस थे अमंग द प्रिंसेस, हिमाचली फर्स्ट थे, और जितने भी रॉयल ब्लड था पूरे इंडिया का उसमें से पहले ये, आपको पता ना आईएएस में पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेस, तो उसके ये फर्स्ट आईसीएस देश के रहे थे टीका दिग्विजय चंद्रा, और डॉक्टर आईएएस जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके ओएसडी भी रहे हैं ये, और इनके फादर राजा भगत चंद। इन्होंने पहली बार मैंने बताया था आपको शिमला हिल्स में अपने अपनी जो अपना जो इनका स्टेट था उसमें इन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया था, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 और 1933 में एक पूरे देश का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना था, जितने भी राजकुमार थे ना उनका एक एसोसिएशन बनाया गया था, इन्होंने दो बार इसको प्रिजाइड किया, राजा भगत सिंह भगत चंद 1921 और 33 में। ही वॉज वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी अमंग द ऑल द रॉयल ब्लड ऑफ हिमाचल प्रदेश, उस जमाने के मुसोलिनी हिटलर के साथ उस जमाने में कहते पूरा जो वर्ल्ड टूर पर है ये जो राजा है वो भ्रमण करके आया था। आज भी इनके जो जुब्बल शिमला वाले एरिया में, जुब्बल चौपाल वाले एरिया में आज भी इनके नाम की फोक लोर जो है वो लोग गाते हैं। उसके बाद पंडित पदम देव, फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे डॉक्टर वाई एस परमार की, इनको फर्स्ट होम मिनिस्टर और कविराज का टाइटल दिया गया था, फेमस फ्रीडम फाइटर, रोड़ू बमनोली के रहने वाले थे, वन ऑफ द रिनाउंड फ्रीडम फाइटर, आज भी आप जो रोड़ू टाउन है इनके नाम का एक पदम मेमोरियल है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और भागमल सोटा, इनका नाम भी आपने सुन रखा होगा, विलेज धार जुब्बल के रहने वाले थे, और धामी गोलीकांड में जो है इन्होंने है ये धामी सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, फेमस फ्रीडम फाइटर। तो ये कुछ एक जो फेमस पर्सनैलिटीज है वो यहाँ की रही है। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी फैक्ट्स एंड फिगर्स देन हिस्ट्री ऑफ शिमला। आपने देखा होगा अभी प्रेजेंटली हमने जो हिमाचल फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल दिवस क्यों मानते हम 15 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन जो हिमाचल का जन्म है वो हुआ था, कब हुआ, 15 अप्रैल 1948 को, 30 छोटी मोटी रियासतों को मिला करके जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो बना था, है ना, और तब से लेकर हम उसको हिमाचल डे के रूप में मनाते हैं। और आप देखेंगे ये जो हमारा शिमला है इसकी भी बड़ी सारी जो छोटी मोटी रियासतें हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। रतेश सबसे छोटी, 2 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया होगा, और सबसे बड़ी जो रियासत है वो बुशहर होगी। बड़ी सारी जो रियासत है वो आपको देखने को मिलेगी। अर्लियर हमारा जो महासू जिले के नाम से ये जाना जाता था, जिसमें आपका सोलन का सिर्फ इंडोर नहीं आता था, भागल है, बघाट है, क्योंथल है, कोटी, भाजी और जुब्बल, थरोच, रावनगढ़, खनेटी, कोटखाई, बुशहर, ठेव, घूंड, मधान,
ये सारी की सारी जो रियासतें हैं मिलकर के ये एक महासू जिले का इसमें गठन हुआ है। तो हम इसकी हिस्ट्री को दो फेज में देखेंगे, पहले शिमला द कैपिटल एंड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जो बड़ी एक रियासत है वो बुशहर रही है, बाकी छोटी छोटी जो ठाकुराइयाँ हैं वो नाम उनके आते हैं, उसमें कौन कौन सा फेमस इवेंट रहा है या फिर कौन जो वहाँ के फाउंडर है वो रहे हैं, क्या किसकी कैपिटल रही है, ज़्यादातर यही आज तक के लिए पूछा जा रहा है। और बुशहर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बिकॉज़ वो भी एक एनिशंट जो रियासत है वो रही है। और फिर जो ये आज का सोलन है वो भी, बिकॉज ये भी महासू का ही एक पोर्शन हुआ करता था। आप देखेंगे शिमला सोलन के जो लोग हैं इनका ज़्यादातर जो कल्चर है वो एक जैसा ही है, मिलता है। तो ये अर्लियर जो था ये महासू का ही रीजन रहा हुआ है ये रीजन। तो इस तरह से ये जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, एक हम द कैपिटल की बात करेंगे और दूसरा जो इंटायर डिस्ट्रिक्ट है, एक या दो क्लास में इसको हमने पूरा बाइंड अप करना है। तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करें, शिमला द कैपिटल किस तरह से ये जो शिमला है इसकी फॉर्मेशन होती है, ये जो शिमला नाम है वो कैसे आता है। अगेन अगर आप शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट इजे बुक को पढ़ेंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा जाता है, हमने हिस्ट्री में मेडिवल फेज में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जो हमारे गोरखाज है हाउ दे केम इन टू द इमरजेंस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमने देखा किस तरह के से जो गोरखाज है, बिकॉज देर वॉज द डिस्टर्बेंस इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर, सिरमौर में किस तरह से जो वो लड़ाई झगड़ा है वो चल रहा था, और दे इनवाइटेड द गोरखाज, उन्होंने गोरखाज को बुलाया, और गोरखाज को बुला देते हैं बाद में उन्होंने जो है सिरमौर वापिस तो नहीं दिया उस रूलर को, बट अपने पास ही रखा। तो उस तरह से फिर बाद में महाराजा संसार चंद का इमरजेंस होता है, और वो किस तरह से उसने भी एक जो पहाड़ों में आतंक है वो डिक्लेयर कर रखा था, इस वजह से एक जो कॉन्फेडरेशन है पहाड़ी हिल्स के रूलर्स के द्वारा वो बनाया जाता है, जिसको कि बिलासपुर का जो महान चंद है, कहलूर का जो महान चंद है वो लेड कर रहा होता है, बिकॉज क्योंकि उसके जो ऊपर है वो संसार चंद ने अटैक किया था। तो इस तरह से गोरखाज को बुलाया जाता है, गोरखाज को जब बुलाया गया तो महल मौर्यों का डिसाइडिंग बैटल होता है, जिसमें कि संसार चंद की जो फोर्सेज है वो हार जाती है। आपने देखा क्योंकि संसार चंद ने मंडी के राजा को कैद करके नादौन में रखा हुआ था, और बाकी चाहे सुकेत है, मंडी है, कुल्लू है ना, या फिर नूरपुर है, जसवान है, गुलेर है, या फिर दत्तरपुर है, सिब्बा है, बंगाल है, कोट कहलूर है, ये सारे की सारी जो रियासतें हैं वो इसको टैक्स दिया करती थी। और संसार चंद ने चंबा के राजा को भी उसने जो है धोखे से मार दिया था, राजा राज सिंह ऑफ चंबा, उसको भी उसने जो है बैटल ऑफ शाहपुर में, नेटी शाहपुर में है वो, वहाँ पर इस तरह से जो सारे का सारा ये सिस जो सतलज से पार वाला रीजन था वो सारे का सारा संसार चंद की गिरफ्त में था। इस तरह से इन सब राजाओं ने मिलकर के किसको एक जो अलायंस के लिए बुलाया, वो गोरखाज को बुलाया जाता है। गोरखाज को जब बुलाया जाएगा महल मौर्यों की बैटल में, संसार चंद की फोर्सेज है वो हारेगी, और उसके बाद जो है वो गैरीजोन करेगी कांगड़ा फोर्ट का, कांगड़ा फोर्ट की गैरीजोन की जाएगी, बट अंदर तो नहीं जा पाते हैं। और बाद में जो संसार चंद है वो किससे हेल्प लेता है, वो महाराजा रणजीत सिंह से लेता है। रणजीत सिंह और उसके बीच में जो है वो डिस्कशन है वो होता है, और फाइनली वो जो ट्रीटी है वो साइन करते हैं, दैट इज द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। और 20 मई 1809 को जो ये ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी है वो साइन की जाती है, जिसमें माँ ज्वाला को साक्षी मान करके जो रणजीत सिंह और संसार चंद है वो कसम खाते हैं। और इस ट्रीटी के तहत रणजीत सिंह ने हेल्प करना जो है वो, ये उनके बीच में डील हुई संसार चंद को, और 66 विलेज और जो कांगड़ा फोर्ट है वो महाराजा रणजीत सिंह को देने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो रणजीत सिंह की फोर्सेज है वो गोरखाज को हरा देती है। गोरखाज जब यहाँ पर हारेंगे तो उन्होंने अपना जो ध्यान शिफ्ट है वो कहाँ की ओर कर लेते हैं, वो अर्की में आएगी, वहाँ का राजा वहाँ से जो है वो भाग जाता है और अर्की को अपना हेडक्वार्टर बनाएगा। अब जब जो गोरखाज यहाँ अर्की में रहने लगेंगे, बघाट हो जो ये भागल वाला जो हमारा अर्की है वहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल अमर सिंह थापा बनाएगा, तो ये जो शिमला हिल्स है यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे करके बड़े सारे जो फोर्ट है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। हमने सिरमौर में देखा था जिसमें उन्होंने क्या बनाया, जैतक का फोर्ट, रणजोर सिंह ने जैतक का जो फोर्ट है वो उसके द्वारा बनाया गया। फिर उसके बाद आपने और देखा जिसमें हमारे बड़े सारे जो फोर्ट है गोरखास बनाते हैं, चाहे उन्होंने जुब्बल है, ये हमारा जुब्बल का बमटा फोर्ट है, या फिर हमारा जो रावनगढ़ फोर्ट है, या फिर हाटू फोर्ट है, बुशहर में जो रीजन में आता था हाटू फोर्ट है, और गोरखाज जतोग जो हमारा जतोग आज शिमला के पास में ये कस्बा है वहाँ पर भी इन्होंने जो जतोग फोर्ट है वो बनाया, कसौली में फोर्ट बनाए गए। इस तरह के बड़े सारे जो अपनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जितनी भी लोकेशनें होगी सब पर गोरखों ने अपने जो गैरीजोन है, अपनी जो इन्होंने यूनिटें हैं वो रखी थी, है ना। बेदर चाहे हमारा डकशाही है, हमारा कसौली है, सबाथू है, या फिर आपका रावनगढ़ है, कोटगढ़ है, तो इन सब जगहों में जतोग है, इन सब जगहों में गोरखाज की जो यूनिट है वो रह रही थी।
तो इस तरह से फाइनली जो बैटल है वो किसके बीच में हो जाएगी, एंग्लो नेपालीज वॉर। एंग्लो नेपालीज जो वॉर है वो स्टार्ट होगा, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग जो यूनिटें है वो बनाई गई थी, जिसमें हमने देखा एक साइड से ऑक्टर लॉनी है, दूसरी साइड से जो गिलेस्पी है, एक विलियम फ्रेजर है, और एक चार यूनिटें थी इनकी, डेविड ऑक्टर लॉनी है, गिलेस्पी है, मार्टिन डेल है और फ्रेजर है। ये चार साइड से, वेदर फ्रॉम द मेलॉन या रामगढ़ वाली फोर्ट वाली साइड से, नालागढ़ वाली साइड से, नाहन वाली साइड से, और ये चौपाल वाली साइड से, और दूसरा देहरादून वाली साइड से, इन चारों साइड से इन्होंने गोरखों के ऊपर अटैक किया। और फाइनली जो गोरखाज है इनको वो किस तरह से ब्रेवली लड़े थे, हमने देखा कि कैसे ये हर जगह जैतक के फोर्ट में हार जाते हैं, है ना, रावणगढ़ के फोर्ट में हार जाते हैं, गोमटा फोर्ट में हार जाते हैं। डिसाइडिंग जो बैटल है इनका वो कहाँ हुआ था, रामगढ़ फोर्ट में। रामगढ़ के फोर्ट में जो है ये बड़े ब्रेवली से लड़े थे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो था मलावन फोर्ट। ये मलावन फोर्ट में जो डिसाइडिंग बैटल है वो होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका जो भक्ति थापा है, ये भक्ति थापा भी यहाँ मारा गया था। भक्ति थापा ये स्नेहन था ना, इसका चीफ कमांडर था अमर सिंह थापा का। तो कहते हैं जो भक्ति थापा है ये यहाँ मारा जाता है, और इतना ब्रेवली ये लड़े थे, मेलॉन वाली जो इनकी बैटल होती है, बैटल ऑफ मेलॉन के नाम से जानी जाती है, कि ब्रिटिशर्स इनसे इतने इम्प्रेस हो गए थे कि इसका जो इन्होंने शव है उसको पूरी तरह से कफन कब्र में बांध करके वापिस अमर सिंह थापा को लौटाया था। अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता था उस जमाने में। तो इसको एक डिग्निफाइड जो इसकी जो डेथ है वो मानी जाती थी। और बाद में कहते जो इसकी रानी है, इसकी जो वाइफ थी वो भी सती हो गई थी समर सिंह थापा की, ये भक्ति थापा की। तो इसकी ब्रेवरी को प्रेज करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए ब्रिटिशर्स ने बाद में एक जो रेजिमेंट है वो नाम दे रखा है मेलॉन राइफल्स। मेलॉन जो रेजिमेंट है आज भी ब्रिटिश की जो फोर्स में है वो देखने को मिलती है, मेलॉन रेजिमेंट जिसका नाम है। तो इतना जो ये गोरखाज है वो ब्रेवरली, इतने इतने जो बहादुरी से है इस बैटल में ये लड़े थे। तो इस तरह से मेलॉन फोर्ट में जब जो भक्ति थापा है वो स्लेन हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, मारा जाएगा, तो उसके बाद अमर सिंह जो थापा है उसकी भी आगे जाने की, जो और आगे बैटल कंटिन्यू करने की है, वो हिम्मत हार जाती है और उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर देते हैं तो बाद में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन कर लेंगे, दैट इज 2 दिसंबर, 2 दिसंबर 1815 में ये जो ट्रीटी है वो साइन किया जाता है बिटवीन द पेरिस ब्रदरशाह एंड गजराज मिश्र, उनके बीच में ये जो ट्रीटी है साइन की जाएगी। एंड 4 मार्च 1806 को, 16 को ट्रीटी ऑफ सगौली है वो साइन किया जाता है, और इस ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत गोरखाज को यहाँ से जाना पड़ा अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके, और उनको अपना जो क्लेम है वो छोड़ना पड़ा। ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड की जो बाउंड्री है वो बनाई गई, जिसमें आपने देखा ये वाला जो हमारा रीजन है आज का जो नेपाल है ना, यहाँ से सिक्किम पर इसको अपना क्लेम छोड़ना पड़ा, गढ़वाल कुमायूं पर इसको अपना क्लेम छोड़ना पड़ा, और जो नीचे वाला तराई वाला रीजन था जो यूपी के पास है, गोरखपुर वाला रीजन आप देखेंगे, यहाँ भी गोरखाज को जो अपना क्लेम है वो छोड़ना पड़ा। और ये जो हमने लाइन है वो कहाँ रखी, जो हमारी काली नदी है वहां पर ये जो लाइन है वो इनके बीच में रहेगी। इस तरह से जो गोरखाज है जिन्होंने यही रहना था उनको सुबाथू में ही हमने जो परमानेंट सेटलमेंट है वो दे दिया। बिकॉज आज भी देखेंगे हमारा, और जो हम मैं कह रहा था पहले भी, गोरखा ब्रिटेन जो हमारा इंडिया और जो हमारा नेपाल है, हमने कोई जो बॉर्डर सीज है वो नहीं कर रखे है, फ्री मूवमेंट है, आना जाना है। और आप देखेंगे अगर यूपी वाले रीजन में जा रहे हैं, लोग ऐसे जा रहे हैं दिन में काम करने के लिए नेपाल जा रहे हैं, फिर शाम को वापिस आ रहे हैं, मीन्स हमने जो अपना बॉर्डर है वो सीज नहीं कर रखा है। हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ माना जाता है, हमारी लड़कियों का जो मैरिजेज है वो वहाँ होती है, उनकी लड़कियों की इधर मैरिजेज होती हैं। तो इस तरह से ये हम इसको अपना जो हमेशा एक छोटे ब्रदर की तरह है नेपाल को वो ट्रेड करते थे। तो ये जो हमारा गोरखाज है वो यहाँ से बाइंड अप करके चले जाएंगे, और जिनको रहना था वो फिर स्वातु में रह रहे हैं, और जो जितनी भी यूनिटें हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। बिकॉज जितने भी हिल्स के रूलर थे ऑल सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। कुछ इसमें बघाट और जो हमारा ये क्योंथल का रूलर है, इन्होंने ब्रिटिशर्स को, क्योंथल और बघाट के जो रूलर हैं इन्होंने मनी वाइज इसको सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स को, इसीलिए बाद में जुर्माने के तौर पर कुछ जो एरिए हैं इनके हड़प लिए जाते हैं, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाकी सारे का सारा एरिया वापस दे दिया जाएगा, सिर्फ क्योंथल और बघाट तो छोड़ करके कुछ जो रीजन है वो इन्होंने अपने पास रखे। और अब जितने भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन में ये देखने को मिलेंगे आपको, ब्रिटिशर्स रह रहे होंगे सब जगह पर, सब जगह पर जो है वो आप किसके अंडर आ जाएंगे, वो भले ही फोर्सेस गोरखाज की होगी बट उनके जो कमांडर है वो कौन हो गए, ब्रिटिश हो गए। शिमला का अभी तक के लिए कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, कब, अप टू 1815
115 और 16 जब हमने ट्रीटी ऑफ सगौली साइन कर ली है। तो इसके बाद क्या होगा, स्वातु में जो है इनके कमांडर इन चीफ बैठेंगे, मेन जो इनका हेडक्वार्टर है वो अब कहाँ था, स्वातु था, और स्वातु से आए दिनों ये जाते थे वहां के लिए कोटगढ़ के लिए। कोटगढ़ में जो इनका एक और रेजिमेंट था है ना, कोटगढ़ और स्वातु के बीच में आते जाते रहते थे, ब्रिटिश जो इनके कमांडर इन चीफ है वो वहाँ पर स्वातु में रहते थे, और स्वातु से जो शिमला में है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, और कहते इतनी यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो थी, रात को जो बियर है या हिनाज है उनकी जो रात को दहाड़ने की आवाज़ें हैं वो क्लियरली वहाँ स्वातु तक के लिए सुनाई पड़ा करती थी। और एक जो है ईजे बक ये भी मानते हैं कि कहते जब जो पासर बाय हैं वो जाते थे कोटगढ़ के लिए, तो वहाँ पर एक फकीर का घर बना हुआ था, एक ब्लू जो फकीर का घर है नियर द बेसमेंट ऑफ जाकू, जाकू की पहाड़ियों की हिल्स में एक कोई ब्लू माउंटेन टाइप का घर बना हुआ था, वहाँ एक फकीर रहा करते थे, और जितने भी पासर बाय यहाँ से निकल रहे होते थे वो उनको पानी पिलाया करता था ये जो फकीर था। तो ये इसके बारे में आ रखा है, एक छोटा सा कहते जो है यहाँ सेटलमेंट हुआ करता था। बट अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो जब इनको ये जो वाइल्ड लाइफ है इसके लिए जो थी ये फेमस था शिमला, तो ये हंटिंग ग्राउंड के लिए जाया करते थे, दिन में शिकार खेलने के लिए जो ब्रिटिशर्स है वो इन जंगली जानवरों का जाते थे, और शाम को वापस जो स्वातु है वो इनका आना जाना इस तरह से लगा रहता था। तो ऐसा माना जाता है कि शिमला का जो पहली बार है 1817 में जो पहली बार दो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दो ये ब्रदर थे, अलेक्जेंडर गेराड एंड पैट्रिक गेराड, अलेक्जेंडर गेराड एंड पैट्रिक गेराड, ये दो भाई थे, इन्होंने पहली बार अपने डायरी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने पहली बार शिमला के बारे में बता रखा है, जो हमें लिटरेरी प्रूफ मिलता है। किसने बताया है पहली बार शिमला के बारे में, अलेक्जेंडर गेराड एंड पैट्रिक गेराड, इन्होंने पहली बार शिमला के बारे में बात करी है, अपनी डायरी में लिखा हुआ ये मिला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1819 में, 1819 में क्या होता है, एक लेफ्टिनेंट रॉस होते हैं, लेफ्टिनेंट रॉस ये असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स की जनरली उनकी क्या पॉलिसी थी कि जिस भी एरिया को वो जीतते थे वो वहां पर क्या रखते थे, अपना रेजिडेंट, अगर आज की सेंस में आप बात करो तो जासूस है ना, एक उनको जो बीचिंग करने के लिए, बैकवाइटिंग करने के लिए अपना बंदा रखा होता था, तो इसको नाम देते थे असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट। अपने पॉलिटिकल एजेंट उन्होंने दूसरों के घरों में रखे हुए थे, क्योंकि आपको पता है पहले तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था इनको कि जितने भी हमारे शिमला हिल्स के रूलर थे कि बिकॉज आपने हमें सपोर्ट किया है अगेंस्ट द गोरखाज, इसीलिए हम आपकी जो टेरिटरी है वो वापस दे रहे हैं सारी, और बदले में इनको क्या साइन करना था, सनद, सनद साइन करना था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आपको जो है फ्री ट्रेड करवाना है, ये सारी की जो सारी इनकी मंशा थी। बट बाद में ये रेजिडेंट रखते थे, अगर वहाँ पर कुछ वहाँ का राजा बिना लीगल हेयर के डेथ हो रही है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो अगला जो बारिश है वो किसको पूछ करके रखेंगे, ब्रिटिशर्स, विद द कन्फर्मेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये इसलिए इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल एजेंट है वो वहाँ पर रखे होते थे। तो ये लेफ्टिनेंट जो रोस है 1819 में, ये भी एक किस तरह के पॉलिटिकल एजेंट, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट होते हैं कैनेडी के साथ। चीफ तो कौन होगा, पॉलिटिकल एजेंट, वो कैनेडी होगा, उसके साथ असिस्टेंट जो पॉलिटिकल एजेंट है वो लेफ्टिनेंट रोस होते हैं। तो ये भी कहीं शिमला गए हुए थे, और कहते जो है इन्होंने अपना जो एक कॉटेज है, टेम्प्रेरी टाइप का जो कॉटेज है, पहला जो कॉटेज है वो इनके द्वारा लगाया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी में। सो लेफ्टिनेंट जो रॉस है ये पहले बनते हैं जिन्होंने वहाँ पर जो एक इस तरह का जो झोंपड़ी है, एक जो कॉटेज है वो पहला बनाया था। ही वॉज द असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ शिमला हिल्स। तो इनके द्वारा ये जो कच्चा जो कॉटेज है वो वहाँ पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद आगे जो नाम आएगा वो आएगा मेजर कैनेडी का, ये 1820 में, तो मेजर कैनेडी है ये 1820 में पहला अपना जो चार्ल्स पेट कैनेडी 20 में जाता है ये वहाँ, और इसने 1822 में चार्ल्स पेट कैनेडी, चार्ल्स पेट जो कैनेडी है ये पहला अपना जो घर है वहां पर पक्का घर शिमला का, ही वॉज द फाउंडर ऑफ शिमला भी इसको माना जाता है। आज भी अगर आप देखेंगे जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा के पास वाला जो घर है ना, जो मेन गेट है विधानसभा का, उसके साथ वाला ही जो ये घर है वो चार्ल्स पेट कैनेडी ने 1822 में बनाया है। सो दिस वॉज द फर्स्ट
पक्का हाउस ऑफ शिमला, जिसको कि फर्स्ट पक्का हाउस माना जाता है, और शिमला के जो फाउंडर है वो चार्ल्स पैट कैनेडी है। इनको अपना जो पहला फाउंडर है वो माना जाता है। ये पॉलिटिकल एजेंट थे, और बाद में देखेंगे बड़े सारे जो है कमांडर इन चीफ है वो कौन होगा, लॉर्ड कॉमर मेयर होगा, वो भी जाएगा। बट ये जो कैनेडी है इसने और भी, आप देखेंगे जो शिमला का अन्ना डेल ग्राउंड है, अन्ना डेल ग्राउंड के बारे में जो टूरेंट कप है जो फुटबॉल का पूरी दुनिया में आज खेला जाता है, 1888 में वो भी इसी अन्ना डेल जो ग्राउंड से है वो स्टार्ट किया गया था। 1888 में टूरेंट कप दुनिया में उसका जो ओरिजिन है वो शिमला से हुआ था। ऐसा मानते हैं कि जो चार्ल्स पैट कैनेडी था, इसकी कहते बचपन की एक गर्लफ्रेंड थी अन्ना, अब बेचारे को पता नहीं धोखा धोखा हो गया होगा, तो इसने इसके नाम पर अन्ना, अन्ना जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके नाम पर ये जो अन्ना डेल है, आज का जो शिमला का अन्ना डेल है उसके नाम पर इसने ये जो नामकरण है वो अन्ना डेल का हुआ हुआ है, ऑन बाय द चार्ल्स पैट कैनेडी। तो ये जो चार्ल्स पैट कैनेडी है इन्होंने पहला जो घर है वो बनाते हैं यहाँ। उसके बाद अब जो अगला जो एक वीआईपी मोमेंट है वो आएगा 1827 में, लॉर्ड हेमस्ट अर्ल। अर्ल ये थे ना मार्क्वीज अर्ल, मैंने बताया था आपको टाइटल थे इनको दिए जाते थे, द अर्ल लॉर्ड हेमस्ट। लॉर्ड हेमस्ट ये 1827 में शिमला आएगा। शिमला जब आएगा ये ही गेट इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ शिमला, क्लाइमेटिकल कंडीशंस ऑफ द शिमला। ये यहाँ आएगा और इसकी वाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये जगह लगी। फिर कहते जब ये वापस कलकत्ता जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है उस जमाने में इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या हुआ करती थी, कलकत्ता में होती थी। जब ये कलकत्ता वापस जा रहे थे तो इसने बड़ी सारी जो फोटोग्राफ्स है कहते हैं वो शिमला के बारे में वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स को बताया, है ना। तो सबके सब जो लोग हैं वो शिमला आने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। इसने लगभग 2 महीने, ऐसा माना जाता है कि लगभग 13,000 जो भिखारी थे उन्होंने इसका जो लगेज है उसको उसको लिफ्ट किया था फ्रॉम कालका टू शिमला के लिए। और 2 महीने का जो टाइम है इसने यहाँ पर, आपको पता है ये क्या था, लॉर्ड हेमस क्या था, गवर्नर इन जनरल था। तो अब जब इंडिया का गवर्नर इन जनरल ही है यहाँ आ रहा है, 2 महीने यहाँ से 2 महीने यहाँ से रहने के बाद वापिस जा रहा है, तो वो लाइमलाइट में प्लेस आ जाता है ना। मोदी जी जब हिमाचल आते हैं सेपू बड़ी का नाम ले लेते हैं तो पूरी पूरे इंडिया में पता चल जाता कि भाई ये सेपू बड़ी क्या है। तो कई बार लोग सोचते हो कि गुजरात से भी चलते हैं सेपू बड़ी खाने के लिए। तो मीन्स उस जमाने की अब सरकार यहाँ आ रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जो फेम है वो देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर ये टाइम बिताएगा। और जब ये आया था तो कहाँ रुका था, चार्ल्स पैट कैनेडी की इस घर में ये रुका हुआ था। और इसकी ये जो लाइन्स है वो थी, द आई एंड एम्परर ऑफ चाइना रूल ओवर हाफ ऑफ ह्यूमन रेस येट वी हैव अ टाइम फॉर द लंच। कहते मैं और जो चाइना का राजा है हम आधी दुनिया के ऊपर राज करते हैं, फिर भी हम फुर्सत से खाना खाने के लिए जो हमें वक्त है वो मिल जाता है ना। नहीं होता ना इतने बड़े राज्य के पास टाइम नहीं होता खाना खाने का भी। तो कहते ऐसा टाइम है, आई एंड द एम्परर ऑफ चाइना रूल ओवर हाफ ऑफ ह्यूमन रेस येट वी हैव अ टाइम फॉर द लंच। ये हम कहते हैं फुर्सत से यहाँ शिमला में बैठ करके जो अपना लंच है वो आराम से कर रहे हैं। ये इसकी जो वर्डिंग है ये शिमला की प्रेस में इसने बताई थी जब ये कैनेडी हाउस में रह रहा था। अब अगली संभावना है शिमला में जो और दूसरे वी आई पी मोमेंट आने की होती है वो होता है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको पता है ये क्या बनता है पहला, वाइसराय बनता है, गवर्नर जनरल कौन बनता है, फिर पहला वाइसराय कौन होता है, देश का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, वाइसराय कौन था पहला, कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था फिर, पहला गवर्नर जनरल बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, ये पहला गवर्नर इन जनरल होता है। इसको इससे पहले हम बंगाल का बोलते थे, गवर्नर इन जनरल ऑफ बंगाल। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये अगले गवर्नर इन जनरल हो गए, फर्स्ट गवर्नर इन जनरल हो गए। इन्होंने शिमला आना था, शिमला आना था तो इनके लिए अब घर भी चाहिए था। अब इसके बाद 1827 के बाद 1827 में ये हो जाता। वैसे एक जो इंसिडेंस है 1828 का, अभी आप देखेंगे इससे पहले 1828 में लॉर्ड कॉमर मेयर, ये जो लॉर्ड कॉमर मेयर है आज भी आपने देख रखा होगा शिमला की मॉल रोड में कॉमर मेयर होटल है, ठीक है। कॉमर मेयर जो है ये कमांडर इन चीफ होते हैं, कमांडर इन चीफ हो गए और ये शिमला आएंगे। और इन्होंने पहला जो डेवलपमेंट वर्क है वो कॉमर मेयर के द्वारा किया गया,
3 किलोमीटर का जो रोड है जाखू के, तीनों जाखू के बेसमेंट में जो रोड बनाया हुआ था वो इनके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड कॉमरमेयर के द्वारा। और एक उन्होंने ब्रिज भी बनाया था, कहते इस पर लकड़ी का ब्रिज, बहुत टाइम तक के लिए था, अब तो नहीं है, जहाँ से वो जो फ्लाईओवर भी बन रहा है जाखू के लिए वहाँ पर ये ब्रिज हुआ करता था। फिर 3 किलोमीटर का जो रोड है ये लॉर्ड कॉमरमेयर के द्वारा बनाया गया, और इन्होंने बाद में कार्ट रोड भी बनाया शिमला का। और ये पहला जो डेवलपमेंट वॉक है, एक ब्रिज और 3 किलोमीटर का ये जो रोड है लॉर्ड कॉमरमेयर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम जो बेंटिक है उन्होंने शिमला आना था, तो आप इसके लिए देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जब शिमला आएंगे तो इनके लिए अलग से एक जो महल है वो बनाया गया, और बेंटनी उसको जो नाम ही है वो बेंटिक कासल के नाम से जाना जाता है, बेंटिक कासल इसको जो नाम है वो दिया गया। द ग्रैंड होटल, पेटिस ग्रैंड होटल के नाम से अब ये जाना जाता है। आपने देखा होगा अभी भी जो इवनिंग कॉलेज है ना वहाँ से आगे को जो बिल्डिंग है ये, इसको जो ग्रैंड होटल के नाम से अब ये जाना जाता है। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला भी इसमें बाद में सिचुएटेड था। तो ये फिर यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा 1832 में, और इसके लिए यहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ रुकेगा, बेंटिक कासल में। और ये जो सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं ये भी किसी एजी ऑफिस से लेकर जो इवनिंग कॉलेज है वहाँ तक इस पहाड़ियों को भी बेंटनी के नाम से जाना जाता है। बाद में बेंटिक बेंटनी कासल भी है, एक वो सिरमौर के राजा ने प्रॉपर्टी ली थी बाद में जाकर के कहीं। तो पूरी की पूरी जो हिल है इसको भी किस नाम से जाना जाने लगा, बेंटिक कासल के नाम से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब यहाँ आएगा तो अब पूरा जो ब्रिटेन है, पूरी जो दुनिया है, इसके बारे में, शिमला के बारे में अब जो फेम है वो लोगों को पता लगेगी, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ आएगा, इस बेंटिक कासल में रहेगा। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो होगा लॉर्ड ऑकलैंड। अब जो लॉर्ड ऑकलैंड है वो अपने लिए वो आएगा और अलग से अपने लिए एक जो घर है वो बनाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ आएंगे 1836 से लेकर, अपने घर में रहता है वो 1836 से लेकर 1842 तक के लिए। लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड हाउस, जो ऑकलैंड हाउस बना हुआ है वहाँ पर अब जो यहाँ का गवर्नर इन जनरल है वो रहेगा। ये जो एल्जियम हिल्स है, अभी मैं बता रहा था आपको, जो एल्जियम हिल्स है वहाँ पर ये ऑकलैंड हाउस है बना हुआ है। और इसके साथ ही एक और बिल्डिंग है जिसमें अब ना चैप्सली स्कूल है, यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड खुद रहता था। ऑकलैंड हाउस में एक पहाड़ी राजाओं का 1838 में दरबार भी बुलाया गया सारा, जितने भी पहाड़ी रूलर के, चाहे शिमला हिल्स के रूलर थे या महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके लिए दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था इस ऑकलैंड हाउस में 1838 में। तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है वो इस घर में रुके थे 1836 से लेकर 1842 तक के लिए। और ये जो चैप्सली था यहाँ पर इसका स्टाफ रहता था, जो इसके सेक्रेटरी थे वो यहाँ पर इस चैप्सली बिल्डिंग में रहते थे। अब तो खैर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और डिस्ट्रॉय करने से पहले अब वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल ऑफ शिमला अगर आप देखेंगे जो अब है, पहले गर्ल्स था, अब तो इसको को ऐड कर लिया है ऑकलैंड को भी। तो शिमला के अगेन हम स्कूल्स के बारे में भी देखेंगे, वर्ल्ड रिनाउंड स्कूल है यहाँ का, यहाँ की जो स्कूलिंग है वो दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसमें आपने नाम सुन रखा होगा, जिसमें जो शिमला का सबसे पुराना स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल BCS, जो कि 1856 में जतोग में खोला गया था लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस, जब जॉन लॉरेंस शिमला को कैपिटल शिफ्ट करेगा तो उसके बाद एक तो उसने लॉरेंस असाइलम स्कूल खोला 1851 में, लॉरेंस असाइलम 1851 में, ये जो जिसको लॉरेंस स्कूल के नाम से जानते हैं हम आज भी, कसौली के पास में ये स्कूल है। ये जो ऑर्फन बच्चे होते थे, जिनके जो ऑर्फन समझते हैं ना, जिनके माँ बाप नहीं है, है ना, जो बच्चे ऑर्फन थे जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनके लिए इसने लॉरेंस असाइलम करके ये जो स्कूल है खोला था, है ना। उस टाइम तो ऑर्फन के लिए था, बट आज तो आपको पता है बहुत बड़े स्कूल है ये, यहाँ पर जो पढ़ाई करना वो बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली एजुकेशन यहाँ रहती है। तो लॉरेंस असाइलम 1851 में खोलेगा। फिर उसके बाद 1856 में आप देखेंगे ये शिमला में BCS, बिशप कॉटन स्कूल, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको वापस इंग्लैंड भेजने पड़ते थे, इस तरह से इसने बिशप कॉटन स्कूल खोला जतोग में। और बाद में जाकर के आप देखेंगे इसको भी शिफ्ट कर देता है, ये एज अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी थी, ये एज अ एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी थी टू द गॉड। 1856 नहीं, 59 में आई है, 1859 में, 1856 नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, 1859 में। दिस वॉज एज अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी टू गॉड,
टू लिबरेट देम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में जब जो विद्रोह हुआ था तो कहते हम बच गए भगवान की दया से, या फिर जो भी बाय द ब्लेस ऑफ गॉड। इसके लिए एज अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी टू गॉड के लिए इन्होंने ये जो बिशप कॉटन स्कूल है इसको खोला था। और बिशप कॉटन स्कूल 1859 में जतोग में खोला, बाद में इसको शिफ्ट कर देगा ये नॉल्सवुड के जंगलों के लिए लाएगा, जहां पर आज इसका जो लोकेशन है नॉल्सवुड एरिया बोला जाता है वहां को, वहां पर जो है ये बीसीएस बिशप कॉटन स्कूल आज भी सिचुएटेड है। और आप देखेंगे इस जो बीसीएस में है, चाहे राजा वीरभद्र सिंह से लेकर के फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ फैशन इंडस्ट्री, दुनिया के जो महान लोग हैं वो इस स्कूल से पढ़ करके गए हुए हैं। आज भी वन ऑफ द टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल इन एशिया, आज भी जो एशिया का ये टॉप 10 के बोर्डिंग स्कूल में है, आफ्टर दून स्कूल, जो दून स्कूल है अभी फर्स्ट प्लेस में है, उसका जो नाम है बिशप कॉटन स्कूल का वो आता है। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ शिमला है। इसके बाद आप आगे जा करके देखेंगे जो हमारा 1859 में है, 1866 में इसको नॉर्थवुड के लिए शिफ्ट करने के बाद अगला जो यहाँ का स्कूल है आप देखेंगे वो है 1864 में जीसस एंड मैरी, जीसस एंड मैरी स्कूल। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस स्कूल। ये गर्ल्स स्कूल है जो कि आज चेल्सी के नाम से जाना जाता है, जीसस एंड मैरी स्कूल। मैंने बताया आपको यहाँ पर जो ग्रेट पेंटर अमृता शेरगिल है उसकी भी यहीं पर जो एजुकेशन है वो हुई थी, जीसस एंड मैरी, वन ऑफ द फेमस स्कूल फॉर इन द गर्ल्स सेक्शन। और आप देखेंगे आज तक के लिए फेमस जो आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, थ्री इडियट्स है, ऐसी ऐसी जो मूवीज है इनकी शूटिंग इस स्कूल में हुआ हुआ है, द जीसस एंड मैरी स्कूल में। तो ये 1864 में ये स्कूल ओपन किया जाता है। उसके बाद 1868 में खोला जाएगा ऑकलैंड हाउस स्कूल। ये ऑकलैंड हाउस जिसको कि हम पहले किसका घर था, ये लॉर्ड ऑकलैंड का, लॉर्ड ऑकलैंड का ये घर था, बाद में 1868 में यहाँ पर भी स्कूल खोला जाता है। ऑकलैंड स्कूल के बारे में अगर आप देखें कि पहले गर्ल्स के लिए था, अब को ऐड कर दिया गया है। और इस टाइम ऑकवर्ड ये जो ऑकलैंड है वो क्या लेके आया था, फॉरवर्ड पॉलिसी। ऑकलैंड लेके आया था फॉरवर्ड पॉलिसी, दैट इज टू इनवेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने की पॉलिसी लेके आया था। और यहाँ पर पहाड़ी राजाओं का दरबार भी किया गया, और इसी हाउस से टू इनवेड अफगानिस्तान। मैंने बताया आपको कि शिमला में चाहे हम मैकमोन लाइन को फाइनल करने की बात है, चाहे आप रेडक्लिफ को फाइनल करने की बात है, या फिर भारत पाक समझौता है, या फिर बेबल प्लान है, शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जब लंदन में हुआ करती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे पहले गांधी जी जो है वायसराय से मिलने शिमला आते थे, तो ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल डिसीजन है वो शिमला में हुए हुए हैं। तो ये जो अफगानिस्तान को इन्वेड करने का डिसीजन है वो भी ऑकलैंड हाउस में लिया गया था। और ठीक 4 साल बाद 1838 में ये डिसीजन लिया गया टू इन्वेड अफगानिस्तान, बट 1848 में इसको फिर से कहते क्रिटिसाइज किया गया था ऑन सेम डे इन सेम मैनर। इवन जो सिटिंग पोजीशन है वो भी चेंज नहीं किया गया था। अब तो आप वहाँ पर वो अरेंजमेंट नहीं देख सकते हैं बिकॉज इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके दोबारा से बना रखा है इन द सेम स्टाइल। जो इसका स्टाइल है आर्किटेक्ट है वो सेम है, बट वो जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। 1842 में यहाँ पर जो है ये दोबारा से ये जो क्रिटिसाइज है, बिकॉज दिस डिसीजन अगेन बिकम वेरी डिजास्ट्रस फॉर द ब्रिटेन। आपने देखा था कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद इतनी बड़ी कैजुअल्टियां एक दिन में हुई थी, रिट्रीट कर रही थी ना ब्रिटिश फोर्सेस वापिस, तो इस तरह से अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा जो कैजुअल्टी है वो ब्रिटिश फोर्सेज की हुई थी इस फर्स्ट वॉर ऑफ जो अफगानिस्तान के साथ है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये इस तरह से 1868 में जो है इसको बनाया जाता है ऑकलैंड हाउस स्कूल। और उसके बाद और यहाँ का रेनाउंड स्कूल आता है तारा हॉल 1892 में ये तारा हॉल जो स्कूल है फॉर गर्ल्स, लॉरेटो कॉन्वेंटो तारा हॉल, ये कभी लॉरेटो सिस्टर्स के पास होता है ना, ये ट्रस्ट है इनके द्वारा ये चलाए जाते हैं। ये भी वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ इंडिया, गर्ल्स के लिए वन ऑफ द फेमस स्कूल्स में आता है लॉरेटो कॉन्वेंटो तारा हॉल। ये 1892 में खोला जाता है। और उसके बाद 1904 में सेंट वीड्स कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये एक ही है कॉलेज भी, जीसस एंड मैरी ट्रस्ट के थ्रू चलता है, और ये जो चेल्सी स्कूल है ये भी इनके थ्रू चलता है, जीसस एंड मैरी, या इसको अब जो नाम है वो देते हैं सेंट बीड्स कॉलेज। सेंट बीड्स जो कॉलेज है ये भी आज विमेन कॉलेजेस में, इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में है। सेंट बीड्स कॉलेज 1904 में ओपन किया जाता है। और उसके बाद यहाँ का एक और फेमस स्कूल है सेंट एडवर्ड, 1925 में सेंट एडवर्ड
1925 में ये जो स्कूल है सेंट एडवर्ड ये ओपन किया जाता है। सेंट एडवर्ड ये जो कुछ फेमस स्कूल है वो शिमला के देखने को मिलेंगे। और एक हारकोर्ट बटलर के नाम से जो आपका ये पूछा हुआ था पीछे किसी ने किसी किताब में राइट में, हारकोर्ट बटलर स्कूल, सर हारकोर्ट बटलर स्कूल पहला पुराना जो नाम है वो था सेंट्रल स्कूल, जो सेंट्रल स्कूल है जाकू में उसका पुराना नाम था सर हारकोर्ट बटलर स्कूल, उनके नाम से जो पहला स्कूल है वो चलता था। सो दिस वाज द सम ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूशन ऑफ शिमला। तो यहाँ अब जो ऑकलैंड है वो कहाँ ठहरेंगे, ऑकलैंड यहाँ पर रुकेंगे ऑकलैंड हाउस में, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। कई बार ये ट्रस्ट के थ्रू जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, फिर जो गवर्नमेंट को बेचने के बाद इसमें जो एक फेमस स्कूल है वो रन किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे एलन ब्रो आएंगे, हार्डिंग आएंगे, एलन ब्रो एंड हार्डिंग वो भी कहाँ ठहरेंगे, इस ऑकलैंड हाउस में ही ठहरेंगे। फिर आएगा लॉर्ड डलहौजी, है ना, एलन ब्रो और जो हार्डिंग है उनके टाइम का तो ज्यादा देखने को कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद जो हमारा है वो कौन आ जाएगा आगे, डलहौजी आएगा। डलहौजी जब आएगा इसकी जो थोड़ी सी हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं थी, आप देखिए तभी ये जा करके अदरवाइज डलहौजी मार्क्विस डलहौजी आपको पता है क्यों फेमस था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए मशहूर था, सतारा सामलपुर जैतपुर अवध झांसी, है ना, ये सारे के सारे डॉक्ट्राइन ऑफ बघाट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इसने लिए थे। भूल गए अब हिस्ट्री सारी, क्या क्या देखा था हमने, रिंग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसकी थी, वॉरेन हेस्टिंग की, फिर आगे ये क्या आ जाता है डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आएगा, वेल्सली, है ना, सब्सिडरी अलायंस के तहत। तो इस तरह से ये भी आपने देखा होगा रेलवे मिनट आया था इसके टाइम में, क्या हुआ था रेलवे मिनट में, थाने और मुंबई और थाने के बीच में जो पहली रेल है वो चलाई गई थी, इंडियन पोस्टल सर्विसेज इसके द्वारा लाई गई थी। तो ये इसकी जो हेल्थ कंडीशन है ना थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो कई बार बारिश से परेशान हो जाता था शिमला में, तो वहां से फिर ये चीनी चले गया था, कल्पा के लिए चले गया था, वहां पर इसने एक वो घर भी वहां बना हुआ है आज, वो टूरिज्म के पास है, वहां पर एक कुछ टाइम रहने लगा, बट बाद में ब्रिटिश अथॉरिटी ने इस प्लेस को उस जगह को नहीं फिजिबल समझा, और इस वजह से इसने जो शिमला कालका रोड है ये आगे कौरिक तक के लिए ले जाने की बात है वो भी डलहौजी के टाइम में होती है। तो डलहौजी भी आप देखिए कुछ टाइम ये ऑकलैंड हाउस में रहता है और उसके बाद स्ट्रॉबेरी हिल्स में रहता है, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी जो हिल्स है ये घर का नाम है, छोटा शिमला के पास है, नीचे को छोटा शिमला में जहाँ सेक्टोरेट है उसके साथ ही स्ट्रॉबेरी हिल्स है, और स्ट्रॉबेरी हिल्स में जो है इसका ये वहां पर इस घर में रुका था, आजकल तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही बिल्ड है, इस घर में ये रुकता था, ये भी कमांडर इन चीफ की कहते प्रॉपर्टी थी, और ये मार्क्विस ऑफ आयरलैंड जो हमारा लंदन है ना जिसमें स्कॉटलैंड है नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो जो हमारा मार्क्विस ऑफ आयरलैंड था उसकी ये प्रॉपर्टी थी और इसको स्ट्रॉबेरी हिल्स के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो डलहौजी है वो यहाँ रुकेगी, तो इस प्लेस में डलहौजी भी रुकते हैं। और आप बाद में देखेंगे फिर जो यहाँ के इसके बाद जो ये वाला प्लान है वो कैंसिल हो जाता है इनका, फिर उसके बाद जो आगे है कैनिंग आएगा, कैनिंग के बाद फिर जो है एल्गिन वन आएगा, एल्गिन जो है वो पहला अपना जो रेजिडेंस है वो शिफ्ट कर देता है, एल्गिन फर्स्ट ये शिफ्ट हो जाएगा पिटरहॉफ के लिए, पिटरहॉफ, ये जो पिटरहॉफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है एल्गिन फर्स्ट हो गए जो पिटरहॉफ में रहना स्टार्ट करेंगे। अब जो यहाँ के हमारे गवर्नर जनरल है वो इस पिटरहॉफ में रहना स्टार्ट करते हैं बाद में 1981 में ना, इसमें बाद में जाकर के तो पंजाब एंड हरियाणा पंजाब का जो है हाईकोर्ट भी बनता है, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा भी यहीं पर सुनाई जाती है। और पिटरहॉफ में आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसको पहले अप टू डफरिन लिटन वैसे लास्ट होता है बट कुछ टाइम तक के लिए डफरिन भी यहाँ रहेगा, फिर ऑब्जर्वेटरी हिल्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा वाइस रीगल लॉज है वहाँ के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पिटरहॉफ में रहने वाला जो एल्गिन है वो फर्स्ट होता है यहाँ पर ये रहेगा, और प्रोस्पेक्टस हिल्स में ये जो पिटरहॉफ है बना हुआ है बाद में जाकर के पंजाब का ये जो है हाईकोर्ट भी बनेगा और पंजाब का गवर्नर का रेजिडेंस भी होगा, और फिर उसके बाद जो है पंजाब का गवर्नर का रेजिडेंस होने के बाद
है इसको, हिमाचल का जो गवर्नर है उसका भी रेजिडेंस रहेगा ये 92 में, और फिर उसके बाद जो हिमाचल के गवर्नर है उनका जो राज्यपाल का जो हमारा निवास है जहाँ पर वो रहते हैं बानर्स कोर्ट में, तो उसको यहाँ से पिट ड्रॉप से शिफ्ट करके वो बानर्स कोर्ट से चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो दो चार अगले जो जितने भी गवर्नर जनरल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, दबाव जी से लेकर ना अप टू डफरिन तक के लिए। और लिटन बीच में इसमें आएगा जिसको कि ये जो है वो पसंद नहीं था, और इसकी जो वाइफ है वो बड़ी फैशनेबल थी, कहते लिटन की, उसको स्नूटी नाम से शिमला की औरतें वो बोलती थी। और इस तरह से इन्होंने एक जो नई साइट है वो देखी लिटन है ऑब्जर्वेटरी हिल्स में, जहाँ पर बन करके क्या होगा 22 रिगल लॉज, 22 रिगल जो लॉज है वो ऑब्जर्वेटरी हिल्स में बनेगा। और ये जो 22 रिगल लॉज है 1880 में, 1880 में इसकी नींव रखी गई, 1888 में ये बन करके तैयार होता है 22 रिगल लॉज। और जब ये बन करके 1888 में बन करके तैयार हो जाएगा डॉफरिन के द्वारा, और इसके जो इसका जो स्टाइल है ये, और दूसरा आपका टाउन हॉल और रिपन हॉस्पिटल, अब तो रिपन को भी डिसमेंटल कर रखा है, ये सेम आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए गए थे। इसका जो आर्किटेक्ट है वो सेम था, किस किस का, रिपन और हेनरी विलेन को डिजाइन किया था 22 रिगल लॉज। देखा है ये 22 रिगल लॉज, गया कोई वहां शिमला, कोई नहीं गया वहां, ये बिल्डिंग नहीं देखा तुमने, एक पूरे इंडिया में इवन वर्ल्ड में भी फेमस है 22 रिगल लॉज। तो ये जो है डफरिन के द्वारा तैयार किया जाता है फाइनली, बिकॉज लिटन ने नई साइट देखी थी बट ये एग्जीक्यूट प्लान नहीं हो पाया, तो इसके द्वारा ये जो 22 रिगल लॉज है वो, और इसके जो आर्किटेक्ट है वो क्या होते हैं, हेनरी इरविन ने इसको डिजाइन किया था। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड जो बिल्डिंग है वो शिमला का बना था, फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड ये बिल्डिंग था। तो यहाँ पर जो वाइस राय है, चाहे गवर्नर इन जनरल है, वो इस बिल्डिंग में रहते थे 1888 से लेकर अप टू कब तक के लिए, 1947 तक के लिए, या जब जब तक के लिए शिमला जो कैपिटल रही भारत की, तब तक के लिए जो ये है 22 रिगल लॉज, यहाँ पर जो वाइसराय है वो बैठा करते थे। तो हाँ आपने देखा, चाहे मोहम्मद अली जिना है, मदन मोहन मालविया है, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, टाइम टाइम पर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनको यहाँ पर ही इनसे मिलने के लिए 22 रिगल लॉज में आना पड़ता था। ठीक है, तो ये 1947 तक के लिए क्या रहता है, 22 रिगल लॉज रहता है। इसकी स्टोरी देखो, पहले कहाँ था, कैनेडी हाउस में कौन रुके थे, लॉर्ड हेमस्ट, और उसके बाद विलियम बेंटी के लिए अलग से बनाया गया। उसके बाद ऑकलैंड कहाँ रुका, ऑकलैंड हाउस में, एलन ब्रो भी कहाँ रुकता है, ऑकलैंड में। फिर आगे डलहौजी कुछ टाइम के लिए ऑकलैंड में रुकेगा, और बाद में स्ट्रॉबेरी हिल्स में रहेगा, और उसके बाद वाले जितने भी हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो पिटरहॉफ में ही रहेंगे एलगिन से लेकर डफरिन तक के लिए, और फिर बाद में यहाँ से आगे हैं वो कहाँ रहेंगे, 22 रिगल लॉज में रहेंगे। 1947 में इट बिकेम एज द राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति निवास। घूम फिर तो लिया करो, पढ़ते तो वैसे भी नहीं है आप लोग, तो ये बड़े दूर से लोग यहाँ के लिए आते हैं। ये राष्ट्रपति जो निवास है 1947 में इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति निवास ये बनता है। उसके बाद समर वेकेशन में, आज तक के लिए आप देखेंगे जो हमारी प्रेसिडेंट आ रहे हैं कल, है ना, तो ये जो राष्ट्रपति निवास है ये कॉन्टिन्यू तब तक के लिए यहाँ रहेगा। आगे जाकर के लिए जब लॉरेंस आएगा, लॉरेंस जो है वो रिट्रीट को, द रिट्रीट जो अब है प्रेजेंट में राष्ट्रपति निवास है, उसको भी वो राष्ट्रपति निवास बनाता है। लॉरेंस डफरिन से लेकर लॉरेंस जो रिट्रीट को है वो भी एज अ राष्ट्रपति निवास बनाएगा। तो ये 1947 से लेकर कंप्लीट अप टू 1966 तक के लिए, 20 अक्टूबर 1966 में उस जमाने के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज IAS बना दिया गया। अब यहाँ पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो करवाई जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ
एडवांस स्टडीज, यांग सान सू की जो म्यांमार की ये प्रीमियर रही है वो भी कहाँ से पढ़ी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से। तो आज भी कभी भी जाओ शिमला तो जरूर एक बार चले जाना है वहाँ देखने के लिए भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी तब से लेकर है ये। और उसके बाद जो राष्ट्रपति है 2 वीक के लिए जो जितना टाइम रहता है वैसे ये मैंडेटरी है उनके लिए, जो उनका प्रेसिडेंट अपना जो कारो काम है अपना जो काम है वो 2 वीक के लिए कहाँ से निपटाएंगे, शिमला से। तो आज भी जो राष्ट्रपति है वो 2 जो वीक के लिए है, विंटर में समर में सॉरी, वो कहाँ आती है तो रिट्रीट आती है। तो इसकी जगह अब ये कहाँ शिफ्ट होके चलेगा, द रिट्रीट के लिए। द रिट्रीट की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं ये जो द रिट्रीट है ये कहते 1850 में बंद करके तैयार हो गया था। ईजे बक लिखते हैं, नाम नहीं बताया गया उन्होंने अपनी बुक में, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट में। कोई कहते मेडिकल ऑफिसर था उसका, ये डॉक्टर सी करके नाम लिखा है उन्होंने, उसकी ये प्रॉपर्टी थी 1850 में, 1850 तक के लिए ये उनकी उसने बनाया था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी। और बाद में जो है इसको वो लीज आउट कर देते हैं विलियम हे। ये वैसे ये जो 300 स्क्वायर किलोमीटर का एकड़ का ये एरिया था वहाँ के मशोबरा में है ये द रिट्रीट। आज भी आप जाओ जो आपका हिपा है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके HSIS आते हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती है। तो आज भी 1850 में ये 50 से लेकर एक कोटे का राजा था उसने ये ब्रिटिश को लीज में दे रखा था, परमानेंट लीज में ये दे रखा था। और फिर विलियम हे के पास रहा, विलियम हे वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ शिमला, वो वहाँ के जो कमिश्नर है वो शिमला के थे उनके पास ही रहता है। और फिर बाद में जो है वो इसको क्या बना दिया गया था, लॉरेंस के टाइम से, लॉरेंस के ऑनबोर्ड से इसको बना दिया जाता है द रिट्रीट या राष्ट्रपति निवास। तो आज भी कल्याणी हेलीपैड है वहाँ उसके साथ ही है ये रिट्रीट के साथ। तो ये आज भी जो है छराबड़ा मशोबरा के पास में ही, जो तो छराबड़ा में द रिट्रीट है वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो देश की आती है ना। तो इस तरह से ये जो द रिट्रीट बिल्डिंग है वो तब से लेकर के लिए आज तक के लिए जो भारत के राष्ट्रपति है वो यहाँ रहते हैं। तो हमने देखा कैसे बेंटनी कासल था या कैनेडी हाउस है, बेंटनी कासल है, फिर उसके बाद जो पीटर हॉफ है, पीटर हॉफ के बाद हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बाइसिकल लॉज है, और आपका द रिट्रीट है। और भी बड़े सारे जो यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जिसमें आप देखेंगे एलर्सली है जो हमारा सेक्रेट है ना, सेक्रेट का पुराना नाम था एलर्सली, सेक्रेट का पुराना नाम क्या था एलर्सली। और जो सेक्रेट है वो एलर्सली है नीचे वाली बिल्डिंग, और पीछे वाली बिल्डिंग को बोला जाता है आर्म्सडेल, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना उसका बिल्डिंग वो इसमें है आर्म्सडेल में, जो पीछे फाइनेंस वाला ब्रांच भी है जिसमें। तो ये एलर्सली है, आर्म्सडेल है, ये हमारा पुराना नाम है सेक्रेट का। कर्नल किथ यंग उसकी ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी, कर्नल किथ यंग ये सेक्रेट की बिल्डिंग का है, पंजाब गवर्नमेंट का भी सेक्रेट रहा है, और आज में हिमाचल प्रदेश का ये सेक्रेट है एलर्सली और आर्म्सडेल। और बानर्स कोर्ट, जीसी बानर्स, ये जो बानर्स कोर्ट है, बानर्स कोर्ट है या जीसी बानर्स पहले थे, 1830 में ये बंद करके तैयार हुआ था, 6 कमांडर इन चीफ। देखो जैसे आज आर्मी है ना, पूरे जो इंडिया के चीफ थे, अभी भी जो इंडिया का आर्मी का कमांड सेंटर है वो शिमला में सिचुएटेड है। तो आर्मी के कमांडर इन चीफ सारे के सारे जितने भी ऑफिसेज है वो शिमला में बने हुए थे, और उनके जो हेड है वो भी शिमला में बैठेंगे। तो कमांडर इन चीफ पूरी जो देश की आर्मी है वो कमांड शिमला से चलती थी, और ये पहले पंजाब गवर्नर यहाँ पर बैठा करते थे, और बाद में जब जो पिट्रॉफ है जल गया था 1881 में, फिर इस यहाँ के लिए शिफ्ट कर दिया गया, फिर पिट्रॉफ तैयार हुआ दोबारा से, फिर 1981 में जला, और 1992 में फिर से वापस शिफ्ट हो जाता है। और बट उसके बाद फिर से जो गवर्नर रेजिडेंस है या जो राष्ट्र राज्यपाल निवास है अभी भी ये बानर्स कोर्ट है ना। तो ये बानर्स कोर्ट है राज्यपाल का जो निवास है। यहाँ पर जो फेमस शिमला पैक्ट है 1972 का, आप देखेंगे जब हमने जो 1971 का बैटल हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो LOC है जिसकी जो वैसे फाउंडेशन है वो कब रखी गई थी, जो फर्स्ट बैटल हुआ था पाकिस्तान के साथ, और फाइनली जो शिमला जो पैक्ट है इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है इंदिरा गांधी, मैडम इंदिरा गांधी को इसके लिए, जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये भी साइन कहाँ हुआ था, बानर्स कोर्ट में। पहले अलग अलग जो डेलीगेशन है वो मिले बानर्स कोर्ट में और एलर्सली में, और जो फाइनल साइन है वो दोनों
देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा काम किए गए थे इस मानस फोर्ट में। तो शिमला का जलवा आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बरकरार था, उससे पहले तो था ही एक रेनाउंड प्लेस था, बट उसके बाद भी जो इस तरह का शिमला जो पैक्ट है वो यहाँ इस मानस फोर्ट में साइन किया जाता है। सो आज भी यहाँ जो गवर्नर है उनका ये निवास स्थान बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे, मैंने आपको स्ट्रॉबेरी हिल्स की बात करी, उसके बाद ओक ओवर अगला जो बिल्डिंग है ओक ओवर आता है, जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर है उनका ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ना। देखो हिमाचल के जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो ओक ओवर में बैठते हैं। उसके बाद आता है रेवेंसवुड, रेवेंसवुड नाम है हाई कोर्ट की बिल्डिंग का, जो जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उस बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि पुराना जो हाई कोर्ट है उसका बिल्डिंग कहाँ है, या फिर जो बानर्स कोर्ट है उसमें अब क्या है, एलर्सली में अब क्या है, गॉर्डन कासल में अब क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। रेवेंसवुड में है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। बाल सिंघम, बाल सिंघम है शिमला के डीसी का जो रेजिडेंस ऑफिस है, हॉली लॉज के साथ है ये, शिमला के डीसी का ये ऑफिस रहता है। बेंटिक कासल में अब क्या है, द ग्रैंड होटल है। बेंटनी, उसके साथ ही एक और बिल्डिंग है, ये भी टूरिज्म के अंडर है अब। बेंटनी वो थी सिरमौर के महाराजा की प्रॉपर्टी थी, पहले बेंटी कासल का ही वो पार्ट हुआ करता था। फिर एक है गॉर्डन कासल, गॉर्डन कासल है एजी ऑफिस, तो एजी ऑफिस है इंडिया का, एजी ऑफिस अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया यहाँ बैठते थे, उसका नाम है एजी ऑफिस। ठीक है, ये सारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ की है। और टाउन हॉल है, गेटी थिएटर है, टाउन हॉल बन करके तैयार हुआ 1888 में, टाउन हॉल बन करके तैयार होता है 1888 में। हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था इसको, एमसी कमिश्नर यहां पर बैठते हैं। गेटी थिएटर है 1887 में बन करके तैयार हुआ था। टाइम विल टेल, ये जो पहला सीरियल है वो यहां पर था, टाइम विल टेल। तैयार होता है। और द क्राइस्ट चर्च 1844 से 1857 तक के लिए, डेनियल विल्सन ये बिशप ऑफ कलकत्ता थे, 1844 से 1857 तक के लिए जो क्राइस्ट चर्च है लगभग 13 साल में ये तैयार होता है ना। ये सेकेंड ओल्डेस्ट क्राइस्ट चर्च मानी जाती है, सेंट जॉन चर्च ऑफ मेरठ, मेरठ की जो सेंट जॉन चर्च है उसके बाद की सबसे पुरानी जो चर्चें बनाई जाती है। रिज मैदान के जो अंडर है एक टैंक बना हुआ है जिसे पूरे शिमला को वाटर का सप्लाई होता है, और उसके साथ ये जो क्राइस्ट चर्च है वो बना रखा था डेनियल रॉबिन बेंसन के द्वारा, जो है ये बिशप रेविन डेनियल विल्सन इनके द्वारा इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखी गई थी। और जे जे बालू, जे टी बालू ने इसको डिजाइन किया है, बालूगंज जो नाम है वो इस बालू के नाम पर है, जे टी बालू, BOILEU, इनकी स्पेलिंग थोड़े ऐसे होते हैं, जे टी बालू के नाम पर है इनका ये बना हुआ है। और जो गंज बाजार है वो एडवर्ड बानर्स, एडवर्ड एडवर्ड ये भी कमिश्नर थे, बानर्स नहीं एडवर्ड, एडवर्ड ये शिमला के कमिश्नर थे, उनके नाम पर ये जो है इसका नाम पड़ा हुआ है। हिमाचल धाम इसमें फॉरेन बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था, फॉरेन ऑफिस बिल्डिंग के नाम से, यहाँ पर हिमाचल धाम है। जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की जो हमारा जो विधानसभा है वो यहाँ पर थी, कहाँ, जिसको कि हम क्या बोलते थे, हिमाचल धाम, फॉरेन ऑफिस के नाम से जाना जाता था। और एक है काउंसिल चैम्बर जिसमें अभी विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, 1925 में बनकर के तैयार हुआ है, ये यहाँ पर बना हुआ है। सो दीज वर द सम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ शिमला। रोथनी कासल है एक, एओ ह्यूम ने, जाखू की बेसमेंट में है रोथनी कासल, एओ ह्यूम ने यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना की थी रोथनी कासल में 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। तो ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल डिसीजन है ये सारे शिमला में हुए हैं। सो ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग शिमला में सिचुएटेड है, तो हमने देखा। और एक वाइल्ड फ्लावर हॉल है, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये छराबड़ा में है, लॉर्ड किचनर की ये प्रॉपर्टी थी पहले, अभी एक ये 5-स्टार होटल है वाइल्ड फ्लावर हॉल, लॉर्ड किचनर की ये जो प्रॉपर्टी है वो रही है। ठीक है, तो जिसमें हमने देखा वाइल्ड फ्लावर हॉल है,
और एलर्सली है, बार्नस कोट है, बाल सिंघम है, स्ट्रॉबेरी हिल्स है, और या फिर क्रैग नैनो है। क्रैग नैनो में जो है हिपा है ना, वो सिचुएटेड है क्रैग नैनो में। और हमारा गॉर्डन कासल था, रोथनी कासल है, ये सारी की सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थे वो शिमला में सिचुएटेड है। और हमने देखे बड़े सारे जो हिस्टोरिकल डिसीजन है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फॉर्मेशन की बात है, और जो कुछ है किसका और बचता है वो कल हम देखेंगे शिमला टाउन के बारे में, देन द हिस्ट्री ऑफ रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।